हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं वन शॉट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 7, दैट इज डायरेक्टिव। आज इस सेशन के अंदर मुझे नहीं पता कितनी देर का होने वाला है, आधे घंटे का होगा, एक घंटे का होगा, डेढ़ घंटे का होगा, जितनी भी देर का होगा, लेकिन आज के सेशन के अंदर में पूरा चैप्टर हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डिटेल में। यानी कि सिर्फ हेडिंग हेडिंग ऊपर से एक्सप्लेन कर दी, एक एक हेडिंग को, एक एक टॉपिक को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है चैप्टर के अंदर, और इस सेशन के बाद आपके शॉर्ट शॉर्ट 6 to 7 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध दो और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर एक बात बता दूं, इससे पहले अगर आपको ये रिविजन लेक्चर के तौर पर देखना चाहते हो, रिविजन लेक्चर के तौर पर देख सकते हो। एक फास्ट एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखना चाहते हो तो वैसे देख सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर, मुझे डिटेल में पढ़ना है चैप्टर, वन शॉट में मजा नहीं आएगा, डिटेल में पढ़ना है, तो आप चाहो तो डिटेल में भी पढ़ सकते हो। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप जाइए, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, जिसके अंदर हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर पूरा डिटेल्ड में एक्सप्लेन है। ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन है, मुश्किल से 3 से 4 घंटे के बीच का चैप्टर है। आप 12 बजे बैठोगे, 3 बजे तक चैप्टर को निपटा दोगे। तो सिर्फ 3 घंटे का या 4 घंटे का चैप्टर है, डिपेंडिंग आप टर्म 2 के हो या फिर न्यू सेशन के स्टूडेंट हो। ठीक है ना, आपका मजे से चैप्टर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने वन शॉट लेक्चर ऑफ डायरेक्टिंग के साथ। ओके, एक सेकंड, पहले इस डॉट पटा दूं। देखो बच्चों, इस चैप्टर के बेसिकली अंदर हमको ये 16 टॉपिक्स पढ़ने हैं। अच्छा, एक बात और, अगर बच्चे आप टर्म 2 का पेपर दे रहे हो, आई रिपीट, अगर आप टर्म 2 का पेपर दे रहे हो, तो आपको पॉइंट नंबर 14 और पॉइंट नंबर 15 नहीं पढ़ना है। Barriers to communication और how to overcome these barriers, ये topic नहीं पढ़ना है, आप term 2 के student हो। लेकिन अगर आप new session के student हो, session number, session जो हमारा 22-23 के, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, एक एक करके सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात, अगर मैं बीच में थोड़ा सा खास हूँ तो इग्नोर कर देना, क्योंकि काफी टाइम से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, गले में थोड़ा सा दर्द है। ठीक है बच्चों, ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। तो बच्चों, जैसे हमने मूवीज में देखा ना, लाइट कैमरा एक्शन, तो वैसे ही इसका मतलब क्या होता है, मूवीज के अंदर क्या होता है, हम लाइट कैमरा एक्शन बोलते हैं, और जो एक्टर है, जो एक्ट्रेसेस है, वो क्या करते हैं, एक्टिंग करना चालू कर देते हैं। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे बॉसेस होते हैं, वो भी एक तरीके का क्या करते हैं, लाइट कैमरा एक्शन करते हैं, और फिर हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डायरेक्टिंग भी कुछ इस तरीके की है। फिल्मों में डायरेक्टर बताता है पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, स्क्रिप्ट की डिमांड ये है, कैरेक्टर की डिमांड ये, वो डिटेल में एक्सप्लेन करता है। तो वैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हम ये करते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ। इन शॉर्ट, हम उनको बताते हैं कि आपको क्या काम करना है। तो डायरेक्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने एम्प्लॉयज को, अपनी टीम को, अपने पीपल को क्या करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको लीड करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं। क्यों करते हैं, जिससे वो गोल्स को अचीव कर पाए। तो ये होती है हमारी सिंपल सी डायरेक्टिंग। आई होप बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मतलब ये डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन सो दैट द पीपल अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्लियर, कोई भी डाउट इसके अंदर, पक्का? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आपको नोट्स चाहिए हो तो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। ओके, अब बच्चों बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। इसको याद करने का एक तरीका है टकला, TACL, और एक छोटा सा एक टकला। टी मतलब टॉप टू बॉटम, ए मतलब इनिशिएट एक्शन, सी मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस, और एल का मतलब होता है एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो टी का मतलब क्या, टॉप टू बॉटम। तो डायरेक्टली डायरेक्टिंग जो है वो टॉप टू बॉटम होती है। मतलब ये कि ऊपर वाली पोजीशन वाला व्यक्ति नीचे वाली पोजीशन वाले व्यक्ति को ही डायरेक्टिंग करता है, उसको गाइड करता है, काउंसिल करता है, मोटिवेट करता है। तो जहां पे सीनियर जूनियर रिलेशनशिप है, या फिर ये कह लो आप अपने सीनियर्स से ऑर्डर्स लेते हो और अपने जूनियर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर देते हो। तो ये है डायरेक्टिंग फ्लोस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर आता है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बाकी सारे जो फंक्शंस है हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हम एक्शन करने वाले हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टिंग के अंदर एक्चुअल में एक्शन होता है, और फिर बाद में कंट्रोलिंग में देखते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब ये कि डायरेक्टिंग से पहले वाले जितने भी स्टेप्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सिर्फ प्रिपरेशन के हैं,
और डायरेक्टिंग में एक्चुअल में एक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस, क्लियर? ओके, तीसरा पॉइंट आता है टक लगा टी ए सी, सी का मतलब होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि डायरेक्टिंग जो होती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये कि जितने लाइफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, जितने साल आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी उतने टाइम तक डायरेक्टिंग चलेगी, भले ही लोग आए या ना आए, लोग मरे, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाए, लेकिन जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी डायरेक्टिंग चलती रहेगी। TACL, L मतलब every level of management। इसका मतलब क्या है? Directing जो होती है वो हर एक level पर होती है। Level का मतलब है top level से bottom, top level पर भी हो रही होगी, middle level पर भी हो रही होगी और lower level पर भी हो रही होगी। मतलब in short जहाँ पर senior junior relationship होती है वहाँ पे directing होती है। Clear? Okay। तो बच्चों ये था हमारा meaning और characteristics of directing। Okay। इसके बाद हम पढ़ने वाले बच्चों elements of directing। अब एक टॉपिक आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, वो एकदम मैं सेशन के एंड में कराऊंगा, ठीक है? अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, मतलब ये कि डायरेक्टिंग में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो इन शॉर्ट हमारे पास चार एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के अंदर, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। सुपरविजन वैसे कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हाँ भी एलिमेंट्स क्या क्या है। डिटेल में नहीं पढ़ना बट डेफिनेशन में इसकी पढ़नी है। तो चलिए बच्चों डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि एक्चुअल में सुपरविजन क्या होता है। तो सुपरविजन, सुपर मतलब ऊपर, ऊपर से, और विजन का मतलब होता है देखना। तो जब कोई भी व्यक्ति ऊपर से हमारी परफॉर्मेंस को देखता है कि हम काम कैसा कर रहे हैं, उसको बुलाया जाता है सुपरविजन। ये चीज समझ में आ गई? तो सुपरविजन इज द प्रोसेस ऑफ ओवरसीइंग द एम्प्लॉइज वर्क and making ensure that they are optimally utilizing the resources and the goals are achieved। In short, supervision का मतलब होता है हम ऊपर से देख रहे हैं कि लोग कैसा काम कर रहे हैं, हम ये सुनिश्चित रख रहे हैं, ये ensure कर रहे हैं कि जो resources है उनको optimally utilize किया जा रहा है, कहीं wastage तो नहीं हो रही है, और हम ये भी देखते हैं कि हाँ भी जो हमारे goals हैं वो achieve हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बस इतनी सी definition है supervision की, आपको इतना ही ध्यान में रखना है, ना कम ना ज्यादा। क्लियर? ओके, तो एक एलिमेंट तो हमारा हो गया सुपरविजन, बट हमको हमारे पास कितने एलिमेंट है? चार एलिमेंट है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। सुपरविजन तो नाम का है, काम का नहीं है। अब मेजर चालू हो रहा हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी लेंथी टॉपिक भी है। अब हम ये तीन टॉपिक में हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा, कौन कौन सा? मोटिवेशन, लीडरशिप और तीसरा कम्युनिकेशन। ओके, मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मोटिवेशन का बेसिकली तीन वर्ड आपको समझने चाहिए। मोटिवेशन में बेसिकली आपको तीन वर्ड समझने चाहिए जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला है मोटिव, दूसरा है मोटिवेशन और तीसरा है मोटिवेटर। तो सबसे पहले आपके पास एक मोटिव होता है काम करने का। तो मोटिव क्या होता है? मोटिव क्या है? दिमाग का आपका इनर स्टेट है, क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो इनर स्टेट आपको एनर्जाइज करता है, आपको एक्टिवेट करता है, ठीक है? आपको क्या कह लो कि उस दिशा में लेके चलता है जो आपको वो काम अचीव करना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है गाड़ी खरीदना हो, वो हो सकता है कि किसी को पसंद करना हो, वो हो सकता है कि ज्यादा पैसे कमाना हो, वो हो सकता है कि इज्जत बढ़ाना हो, वो हो सकता है किसी को गलत प्रूफ करना हो। तो इन मोटिव कैन बी एनीथिंग। तो मोटिव इज द इनर स्टेट जो आपको एनर्जाइज करता है, जो आपको एक्टिवेट करता है, जो आपको दिशा दिखाता है उस पर्टिकुलर दिशा में काम करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मोटिव। मोटिवेशन का मतलब क्या है? मोटिवेशन के अंदर जो एक पर्सन होता है वो आपको स्टिमुलेट करता है। आप सर, स्टिमुलेट का मीनिंग क्या होता है? स्टिमुलेट का मतलब होता है आपको एक्साइटेड करना, ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ एक्साइटिंग समवन, ठीक है? तो स्टिमुलेट करता है, आपको एक्साइटेड बनाता है, जिससे आप उस डायरेक्शन में जाकर काम करो जिस डायरेक्शन में आपको वो गोल अचीव हो जाएगा, तो उसको बुलाया जाता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग अ पर्सन to action to accomplish the particular goal, clear? Motivation के अंदर हम आपको क्या कर रहे हैं? Excite कर रहे हैं जिससे वो particular area में जाइए, वो goal achieve कीजिए। कोई doubt इसके अंदर? Okay। तीसरा आता है motivators। यहाँ पर बच्चे confuse हो जाते हैं। Motivators का मतलब यहाँ पे वो लोग नहीं होते जो motivate करते हैं। Motivators का यहाँ पे meaning है वो techniques, वो things जिसके थ्रू आप motivate होते हो, उसको हम motivators बुलाते हैं। जैसे एक अच्छी सैलरी हो, प्रमोशन हो, ठीक है ना, गाड़ी हो, नौकर हो, टीम हो, जॉब पोजीशन हो, तो जिसके थ्रू भी अगर आपको मोटिवेशन मिल रहा है उस चीज को बुलाया जाता है मोटिवेटर्स। क्लियर? कोई भी डाउट? तो क्या लिखा हुआ? मोटिवेटर इज द टेक्निक
used to motivate people in an organization. It can be pay, it can be bonus, it can be promotion, it can be recognition, it can be praise, it can be responsibility. मोटिवेशन का मतलब क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल. और मोटिव का मतलब क्या था? इनर स्टेट जिसके थ्रू आप गोल अचीव करने लग जाते हो. क्लियर? ओके. अब बच्चों बात करते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में. तो मोटिवेशन के हमारे बेसिकली चार फीचर होते हैं. वैसे तो बहुत सारे फीचर होते हैं लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ चार फीचर है. पहला मोटिवेशन जो होता है एक इंटरनल फीलिंग होता है. आपके अंदर वो भूख है, आपके अंदर वो ड्राइव, आपको वो किक मिल रही है, वो मुझे काम करना है, वो गोल अचीव करना है. ये आप किसी को दिखा तो नहीं सकते हो ना. एक्साइटमेंट आपके मन में ही होती है. चुलबुलाहट जो होती है ना, जो उंगली हो रही होती है वो अंदर अंदर हो रही होती है. तो मोटिवेशन इज अ इंटरनल फीलिंग. क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया? जो आपके अंदर बेचैनी पैदा कर देती है, रेस्टलेसनेस पैदा कर देती है. तो मोटिवेशन ये चीज है. क्लियर? पक्का कि मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे किसी पर्सन को प्रपोज करना है, ठीक है ना, मुझे किसी पर्सन को गलत प्रूफ करना है. तो मोटिवेशन इज अ इंटरनल फीलिंग. ओके. दूसरा मोटिवेशन जो होता है ना, वो आपको गोल के डायरेक्शन में लेके जाता है, आपसे उसी डायरेक्शन में काम करवाता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बाइक लेनी है, तो बाइक लेने के लिए जो भी हथकंडे आपको अपनाने पड़े, चाहे पैसा कमाना हो, चाहे चोरी करना हो, चाहे किसी तरीके से भी किश्तों पे खरीदना हो, तो मतलब आपके दिमाग में हर पल क्या चलता रहेगा? बाइक लेनी है, बाइक लेनी है, बाइक लेनी है. तो बाइक लेने की दिशा में आप काम करते रहोगे, ठीक है ना. ओके. अगर आपको किसी को प्रपोज करना है तो आप क्या करोगे? कैसे मिला कैसे उसको खुश करने की कोशिश करोगे, चाहे पढ़कर करो, चाहे कमा के करो, चाहे अच्छे कपड़े पहन के करो, चाहे अच्छी जगह पे डेट लेके जाके करो. तो आप ऐसे मोटिवेट करोगे, है ना, गोल डायरेक्टेड पीपल, उसको इम्प्रेस करना है. वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या होता है कि आपको जब मोटिवेट किया जाता है कि आप अगर अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, तो फिर आप अच्छा काम करने की कोशिश करते हो, टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हो. क्लियर? ओके. तीसरा होता है मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. इसका मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं. अगर आपने टारगेट अचीव कर लिए तो आईफोन, अगर आपने टारगेट अचीव कर लिए तो बोनस, आपने टारगेट अचीव कर लिए तो अवार्ड मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ठीक है. ये है पॉजिटिव मोटिवेशन. और एक क्या होता है? नेगेटिव मोटिवेशन. अगर तू फेल हो गया तो तेरी खैर नहीं. होता है ना, घर वाले देते हैं, तेरी खैर नहीं, घर से बाहर निकाल देंगे, रिक्शा लेके देंगे, रिक्शा चलवाएंगे तेरे से. ये क्या है? नेगेटिव मोटिवेशन. वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? अगर आपने टारगेट अचीव नहीं किया तो आपका पेमेंट कट हो जाएगा, आपको निकाला जा सकता है, आपका ट्रांसफर किया जा सकता है. तो ये क्या है? नेगेटिव मोटिवेटर्स. दोनों ही सिचुएशन में आप काम करने के लिए मोटिवेट होते हो, एक पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली. क्लियर? ओके. और चौथा क्या हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स? मोटिवेशन के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मतलब ये कि हर एक को सेम तरीके से मोटिवेट नहीं किया जा सकता. हर एक के अपने प्रेफरेंसेस अलग है, एक्सपेक्टेशंस अलग है ना, रिएक्शंस अलग है. तो कोई भी जो मोटिवेट होता है, चाहे मैं पैसों से मोटिवेट हो रहा हूँ तो आप हो सकता है पैसे से मोटिवेट ना हो, आप प्रमोशन से मोटिवेट हो सकते हो तो लगता है कि मैं ना हूं. तो मोटिवेशन का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हर एक को अलग अलग तरीके से मोटिवेट करना पड़ता है. क्लियर? तो ये हमारा मोटिवेशन का फीचर. आई होप बच्चों अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या क्या हमने पढ़ लिया. ओके. आगे बढ़ते किसके अंदर? मोटिवेशन के अंदर. इसके बाद जो मोटिवेशन आ रहा है वो आ रहा है हमारा अब्राहम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अच्छा ये क्या है? देखो बच्चों, स्टार्टिंग की बात करें, 1940s की बात करें, तो कोशिश की जाती थी कि यार एम्प्लॉयज के अंदर एनर्जी हम मेंटेन रखें. हम भी नहीं करते कि कभी कभी बहुत स्टार्टिंग में काम करते हैं, दो दिन तो लगातार पढ़ते रहते हैं, तीसरे दिन हमें हमारी एनर्जी ठप हो जाती है, हम हिम्मत हार जाते हैं, हम बोर होने लगते हैं. होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है. तो ऐसे केस के अंदर ऐसा क्या किया जाए कि हम मोटिवेटेड रहे? तो घर वाले हमको लालच देते हैं, देखो आईफोन लेके देंगे, देखो कंप्यूटर लेके देंगे, देखो आईपैड लेके देंगे, देखो लैपटॉप लेके देंगे, देखो बाइक लेके देंगे, देखो कार लेके देंगे. वो कोशिश करते हैं, लालच देते रहते हैं हमको कि हाँ भाई देखो ये चीज ले देंगे, वो चीज कर देंगे, देखो घूमने लेके जाएंगे, जिससे तू पढ़ता रहे. तो वैसे ही एक स्टडी निकाली गई. जो स्टडी निकाली किन्होंने निकाली? अब्राहम मैस्लो जी ने निकाली 1940s के अंदर, जिसमें उन्होंने देखा कि लोगों को मोटिवेट करना है तो उनकी जरूरतों को पूरी करो. उनकी जो जरूरतें आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं, उनको अगर पूरा करने का लालच दोगे तो वो मोटिवेट होंगे काम करने के लिए. तो उन्होंने बताया लोगों की कुछ जरूरतें होती हैं, और जो जरूरतें होती हैं ना, वो सीक्वेंस में होती हैं. ये उन्होंने मान के चला था कि जो जरूरतें होती हैं वो सीक्वेंस में होती हैं, और वो अपने बिहेवियर जो उनका होता है ना, नीड के अकॉर्डिंग ही होता है. जैसे उनकी जरूरत है वैसा उनका काम है.
ये चीज उन्होंने बताई, तो इसलिए उन्होंने पांच नीड्स बताई जो हमेशा सीक्वेंस में ही फॉलो करी जाएंगी, ऐसा उन्होंने बताया। ये उनकी अजम्पशन थी। पहले उन्होंने बताया कि अगर किसी को मोटिवेट करना हो तो सबसे पहले उसको मोटिवेट करने का जो तरीका होता है वो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर दो, तो वो मोटिवेट हो जाएगा काम करने के लिए। अब ये बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या होता है? आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट, जीने की, रोटी, कपड़ा, मकान। अगर आप बिल्कुल ही क्या कहते हैं बेरोजगार हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो कोई यार आपको देता है ना कि आप मेरे यहाँ काम करने आओ, हम आपको बेसिक सैलरी देंगे, उस बेसिक सैलरी से अपना रोटी, कपड़ा और जो मकान है किराए का आप ले सकते हो, तो आप फटाफट काम करने के लिए क्या हो जाओगे? मोटिवेट हो जाओगे। तो उन्होंने इस चीज को टारगेट किया, क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, मतलब बेसिक फिजियोलॉजिकली जो आपको जीने के लिए, नॉर्मल लिविंग के लिए जरूरत है वो हम पूरा कर देंगे, तो आप काम करने के लिए मोटिवेट हो जाओगे। क्लियर? ओके। फिर उन्होंने बोला कि अगर आपकी एक बार ये जरूरत पूरी हो गई या फिर मेंटेन हो रही है, उसके बाद अगर आपको कोई लालच देता है ना इसी काम का, तो आप मोटिवेट नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी 10,000 की जॉब है और उससे आप रोटी, कपड़ा, मकान किसी तरह मैनेज कर रहे हो, तो दूसरा पर्सन आपको 10,000 देगा, बोलेगा आप मेरे यहाँ के काम करो या आप ज्यादा काम करो, तो आप मोटिवेट नहीं होंगे काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो जरूरत आपकी पूरी हो रही है 10,000 से, वो सामने वाला भी 10,000 ही ऑफर कर रहा है, तो मुझको कुछ अलग से फायदा तो नहीं होने वाला ना, तो यू विल नॉट बी मोटिवेटेड टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर जॉब। लेकिन वो आपको बोले मैं तेरे को परमानेंट जॉब दूंगा, मैं तेरे को 20,000 रुपए दूंगा, तेरे को 25,000 दूंगा, तो आप क्या बोलोगे? यार 20,000 ज्यादा हो जाएंगे तो मेरे को किराए की भी टेंशन नहीं होगी, मेरे को इनकम की भी टेंशन नहीं होगी, मेरे को खाने पीने की भी टेंशन नहीं होगी, और मैं अपने घर वालों को एक अच्छा घर दिला सकता हूँ किराए पे, या फिर इन शॉर्ट कभी अगर मेरी सैलरी ज्यादा होगी तो मैं खरीद के भी ला सकता हूँ। ऊपर से जॉब सिक्योरिटी और मिल रही है, मतलब मुझे निकाला नहीं जाएगा, मतलब मेरे को टेंशन नहीं होगी। तो उन्होंने अगली नीड बताई। अगली नीड किसी भी व्यक्ति की होती है सिक्योरिटी नीड। सिक्योरिटी नीड मतलब या सेफ्टी नीड, मेरी इनकम सुरक्षित हो, मेरे घर वाले सुरक्षित हो, मेरा घर सुरक्षित हो, मेरा परिवार सुरक्षित हो। क्लियर? तो ये उसकी होती है अगली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। और मेरा जो रिटायरमेंट है वो सुरक्षित हो, मतलब ये कि आज से 30 साल बाद में रिटायरमेंट ले लूं, काम करना छोड़ दूं, तो मेरे पास कुछ तो पैसे बचे हों, ऐसा ना हो कि मैं फिर बिल्कुल जीरो पर आ जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आदमी सिक्योरिटी नीड्स की तरफ जाता है। क्लियर? ओके। तो मतलब ये पहले रोटी, कपड़ा, मकान हो गया, फिर सेफ्टी हो गई, घर परिवार की इनकम की होगी, जॉब सिक्योरिटी हो, उसके बाद आदमी कहता है कि मेरा आस पास का एनवायरमेंट अच्छा, ठीक है ना। फिर लोग चाहते हैं कि यार मैं जहां भी काम करूं वहां अच्छे लोग हों, मेरे को सोसाइटी एक्सेप्ट करे, मेरे को सब अच्छे से बातचीत करे, मेरे को, मैं सोसाइटी से बिलोंग करना चाहता हूँ। तो आदमी फिर इस नीड की तरफ जाता है। वरना आपने कई बार नोटिस करा होगा कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन इसलिए छोड़ के जाते हैं क्योंकि उनके बॉसेस अच्छे नहीं होते या फिर उनके जो कलीग्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते, इसलिए वो जॉब स्विच कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का काम करने का एटमोसफियर ही खराब है। तो यहाँ पर फिर उसके बारे में बात करी गई है। क्लियर? ओके। अब मान के चलो आपका रोटी, कपड़ा, मकान वाली नीड पूरी हो गई, आपकी परमानेंट जॉब भी हो गई, लोग भी अच्छे हैं, इसके बाद आप काम को करने के लिए कब मोटिवेट हो गए? जब आपको दिखेगा कि आपको प्रमोशन मिल रहा है, जब आपको दिखेगा कि आपकी तारीफ हो रही है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, तब आप मोटिवेट हो जाओगे काम करने के लिए। तो मतलब ये फोर्थ जो हमारी नीड होती है वो कौन सी होती है? एस्टीम नीड्स। एस्टीम का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरे को इज्जत मिले, मेरे को अटेंशन मिले, मेरे फोकस मिले, मेरा स्टेटस बढ़े, मेरे को प्रमोशन मिले। आ रहे समझ में? स्टेटस। क्लियर? तो एस्टीम नीड्स। उसके बाद पैसा भी आ गया, प्रमोशन भी आ गया, टेंशन भी मिली, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी कुछ मोटिवेट करने के लिए मिलता है, हाँ, जिसमें आपको चैलेंज दिखे, जो आपको चैलेंज करे वो होता है। जैसे आपने कभी कभी एक्टर्स को नहीं सुना जो वेल एस्टेब्लिश एक्टर्स हैं, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, सैफ अली खान हो, हम ऐसी मूवी करनी चाहते हैं जिसकी स्क्रिप्ट अच्छी हो, हम वैसे रोल करना चाहते हैं जो हमने आज तक नहीं किया हो, जो हमें चैलेंज करें। होता है कि नहीं होता है? चैलेंज करें। तो मतलब ये जिसकी सारी नीड्स ऑलरेडी पूरी हो चुकी है पहली चार की चार, वो अब मोटिवेट काम करने के लिए कब होता है? जब उसको कुछ चैलेंज मिलता है। सेल्फ, जो हमारी पांचवी नीड होती है वो कौन सी होती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिसमें हम क्या करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं, हम और क्या क्या बन सकते हैं। क्लियर? तो ये थी हमारी पांच नीड, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, तीसरी अफिलिएशन बिलोंगिंग नीड्स, चौथी हमारी एस्टीम नीड्स, और पांचवी हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। आई होप बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम आप देख सकते हो, डायग्राम एग्जाम आपके एनसीईआरटी में आपके पास जो भी बुक है उसके अंदर दे रखा है, एक बार आप उसको अच्छे से देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पता चल रहा है एक पिरामिड सा बनाया हुआ है, सबसे पहले बेसिक चीज, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर।
क्लियर ओके। अच्छा बच्चों, मैंने बोला था स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ बातें मान के चली थी, तो वो अजम्पशन भी इन्होंने दे रखे हैं। अजम्पशन क्या क्या दे रखे हैं? आपके पास चार अजम्पशन हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहला ये, लोगों का जो बिहेवियर होता है वो नीड के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, नीड जो होती है वो सीरियल ऑर्डर में होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मान के चलो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, उसको रोल नहीं मिल रहा है, वो फुटपाथ पे सो रहा है, ठीक है ना। वो अभी आपने उसके मुंह से सुना है मैं ऐसी मूवी करना चाहता हूँ जिसकी स्क्रिप्ट अच्छी हो, कभी उसके मुंह से ऐसा सुना है? नहीं भाई, मुझे काम मिल जाए बस, ठीक है ना। उसे फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करनी है, उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पूरी नहीं करनी है, समझ रहे हो। तो वो सीक्वेंस से ही चलेगा, तो नीड जो होती है वो सीक्वेंस में ही होती है। क्या आपको ये चीज क्लियर है? ओके, तो पहला बिहेवियर नीड के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, आपकी जो नीड्स है वो सीरियल ऑर्डर में होती है। एक जो नीड आपकी पूरी हो गई है उसके बाद आपको वो नीड द्वारा मोटिवेट नहीं कर सकती है। और चौथा, नेक्स्ट नीड की तरफ आप तभी जाओगे जब पहली नीड जो है वो पूरी हो गई है। बस ये बेसिक अजम्पशन है, आपको याद रखना है। और ध्यान रखना, एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं, 3 मार्क्स में पूछे जा चुके हैं, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्लियर? कोई भी डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है बच्चों मोटिवेशन के अंदर, वो आता है हमारा इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। मतलब ये कि लोगों को इंसेंटिव देना। पहले तो इंसेंटिव का मतलब पता होना चाहिए। तो इंसेंटिव का मतलब होता है वो चीजें, वो वस्तु या कुछ भी ऐसा जिससे आप कुछ करने के लिए मोटिवेट हो, उसे क्या बुलाया जाता है? इंसेंटिव बुलाया जाता है। आई रिपीट, इंसेंटिव कैन बी एनीथिंग या ऑल मेजर्स, किसी भी तरीके से आप जिसको मोटिवेट करते हैं लोगों को काम करने के लिए, उसको इंसेंटिव बुलाया जाता है। और फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब है जो चीज या तो पैसा हो या फिर जो चीज पैसों में मेजर करी जा सकती हो, उसको बुलाते हैं हम फाइनेंशियल इंसेंटिव। और जो चीज को हम पैसे में मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको बुलाते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। कुछ कुछ जगह पर हम उसको नॉन फाइनेंशियल को भी पैसों में मेजर कर सकते हैं, लेकिन उनका जो मेन महत्व होता है वो पैसा नहीं होता, वो कुछ और ही होता है। वो होती दिमाग की संतुष्टि, मेंटल सेटिस्फेक्शन, कि हाँ मैं खुश हूं उस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। ओके, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है। तो चलिए बच्चों, फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब क्या है? या तो आपको पैसा दे रहे हो या फिर कुछ ऐसी चीज दे रहे हो जो पैसे में मेजर करी जा सकती है, उसे बुलाते हैं हम फाइनेंशियल इंसेंटिव। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको 10,000 दिए, तो ये क्या फाइनेंशियल इंसेंटिव है? यस। मैंने आपको एक लैपटॉप दिया जिसकी कीमत 50,000 रुपए, क्या ये फाइनेंशियल इंसेंटिव कहलाएगा? ये भी फाइनेंशियल इंसेंटिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 50,000 की वैल्यू का मैंने आपको लैपटॉप दिया। क्लियर? ओके, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में। देखो बच्चों, पहला जो इंसेंटिव है आपके सामने वो कौन सा दिखाई दे रहा है? पे एंड अलाउंसेस। इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, कोई भी पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए क्यों आता है? वो उसको इसलिए आता है कि उसको अच्छी सैलरी मिले। तो सैलरी इज द बेसिक इंसेंटिव दैट यू कैन गिव टू एनी पर्सन, ठीक है, सैलरी। इसके साथ साथ सैलरी के अंदर काफी सारे पेमेंट्स अलाउड होते हैं, जैसे कि आपका हम ट्रेवलिंग का खर्चा उठाएंगे, आपका हम रेंट का खर्चा उठाएंगे, आपका हम टेलीफोन का खर्चा उठाएंगे। तो उस खर्च को वो सैलरी वर्ड यूज नहीं करते हैं, वो अलाउंसेस वर्ड यूज करते हैं कि आप खर्च करो हम आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो उसका क्या होता है? अलाउंसेस। तो पे एंड अलाउंसेस आर द बेसिक इंसेंटिव दैट यू कैन गिव टू एनी पर्सन। और ये सैलरी जो है हर साल इंक्रीज होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10% इंक्रीज होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 15-20% इंक्रीज होती है। It is the first motivator that you can give to any person to work towards the goal. Clear? Okay. दूसरा जो आता है वो आता है हमारा productivity linked wage incentive. इसका मतलब क्या? बच्चों आपको एक chapter 2 याद है हमारा? Chapter 2 कौन सा था? Principles of management. उसके अंदर थी techniques of scientific management. Motion study, method study, functional foremanship. याद आ रहा है कुछ? हल्का फुल्का fatigue study. उसके अंदर एक study और थी, differential piece wage system. जिसमें टेलर ने बोला था लोगों को पैसे देने हों तो उनकी जो सैलरी है वो किससे लिंक कर दो? उनके काम से लिंक कर दो, जैसा काम वैसा पैसा, जैसी सैलरी, उन्होंने ये लिंक किया था। उसी से मिलता जुलता ये पॉइंट है, मतलब ये जैसा काम वैसा इंसेंटिव। मतलब ये कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा इंसेंटिव मिलेगा, अच्छा पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन आपने बुरा काम किया तो आपको बुरा पैसा मिलेगा। बुरा पैसा मतलब आपको कम पैसा मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं, जो इंसेंटिव का अमाउंट होता है। ध्यान रखना, इंसेंटिव जो है वो सैलरी से अलग मिलता है, ठीक है। ओके, तो मतलब ये आपको पैसा कमाना तो आपको अच्छा काम करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। आपकी वो प्रोडक्टिविटी से लेंगे, आपके वो काम से रिलेट हो गई है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। दो हमारे हो गए,
तीसरा हमारा कौन सा है, बोनस। बोनस तो बच्चों बच्चों को पता है कि हाँ भाई जो भी सैलरी से अलग से दिया जाता है, ऊपर से दिया जाता है, उसको हम क्या बुलाते हैं, बोनस बुलाते हैं, जो कि नॉर्मली इंडिया में दिवाली के टाइम पर दिया जाता है। ओके, फोर्थ पॉइंट आता है प्रॉफिट शेयरिंग। कुछ कुछ कंपनीज जो होती है वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं, जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं उसका कुछ परसेंटेज सारे एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेट सपोज मान के चलो कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 100 करोड़ कमाए, कितने करोड़ कमाए, 100 करोड़ कमाए, और उन्होंने बोला कि हम अपनी कंपनी के प्रॉफिट का 2%, मतलब 100 करोड़ का 2% कितना हो गया, 2 करोड़, 2 करोड़ हम एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान के चलो हर एक किस्से में, किसी किस्से में 10,000 आ रहे हैं, किसी किस्से में 15,000 आ रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन जॉब पोजीशन, उनके हाथ में पैसा आ रहा है। तो मतलब वो मोटिवेट किस चीज के लिए हो जाएंगे कि कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो हमको भी ज्यादा प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, तो लोग ऐसे भी मोटिवेट हो जाते हैं। ये आप देखना कभी कभी जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के लोग होते हैं ना, वो इसी में होते हैं, वो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे होते हैं, जितना ज्यादा वो लोगों को बेचेंगे उतना ज्यादा ही उनका प्रॉफिट का शेयर बढ़ेगा। इसको बोला जाता है एक तरीके से, कह लो कमीशन ऑन सेल्स, एक तरीके से भी ये कह सकते हो कमीशन ऑन सेल, प्रॉफिट शेयरिंग एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे वर्ड की यूज हो रहा है वो क्या, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। फिफ्थ आता है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब क्या हो गया, जब आप रिटायर हो गए जॉब से, चाहे आप 40 साल की उम्र में हो, चाहे 45 साल की उम्र हो, चाहे 65 साल की उम्र हो, तो आप बोलते हो जब मैं रिटायरमेंट हूं तो मेरे पास कुछ पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, आपको कुछ अमाउंट प्रोविडेंट फंड का मिलता है, कुछ अमाउंट आपको पेंशन का मिलता है, कुछ अमाउंट आपको ग्रेच्युटी का मिलता है। अब ये सर प्रोविडेंट फंड क्या होता है, पेंशन क्या होता है, ग्रेच्युटी क्या होता है, ये समझ लेते हैं। प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है, जब भी आपको, अभी अगर आप काम कर रहे हो, नहीं तो आपके, आप तो अभी खैर क्लास 12th में हो, आपके भैया दीदी या फिर मम्मी पापा में से आज तक किसी ने अगर जॉब करी है या किसी जान पहचान वाले ने जॉब करी, तो उनसे पूछना कि आपको सैलरी जो बताते हैं वही हाथ में मिलती है, कुछ कटकटा के मिलती है। कटकटा के मतलब, अगर वो बोल रहा है 10,000 पर मंथ तो आपके हाथ में सिर्फ 9,000 आएंगे, अगर बोलते हैं 20,000 पर मंथ तो आपको 19 या फिर 18,000 मिलते हैं। कुछ पैसा जो है कंपनी आपको देती नहीं है, वो आपके बिहाफ पर गवर्नमेंट के पास जमा करा देती है, कुछ टैक्स का अमाउंट होता है और कुछ ये प्रोविडेंट फंड का अमाउंट होता है। प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है कि आपके बिहाफ पर हम गवर्नमेंट के पास पैसा जमा कराते हैं और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये पैसा आपको मिल जाता है। क्लियर, क्यों क्यों ऐसा किया गया, जिससे आप सैलरी सारी उड़ा देते हो कभी कभार, तो आप कुछ पैसा सेव कर रहे हो, कंपल्सरी जो पैसा सेव करना हो गया और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको वो मिल जाता है, तो उसको बुलाते हैं प्रोविडेंट फंड। पेंशन का मतलब आपको पता ही है, सैलरी जॉब छोड़ने के बाद हर महीने आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहता है। और ग्रेच्युटी का मतलब क्या होता है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल 10 साल 15 साल काम कर लेते हो और जब आप वहां से रिटायर होते हो तो कंपनी थैंक यू बोलने के लिए कि आपने हमारे साथ इतने साल काम किया, काम किया आपने, हमको झेला, इसके बदले में आपको हम कुछ पैसा दे रहे हैं, वो अमाउंट कैलकुलेशन हो जाती है, उसको बोलते हैं ग्रेच्युटी। क्लियर, ओके। तो रिटायरमेंट के टाइम पे कौन सी कंपनी ज्यादा पैसा देती है, अगर हम ज्यादा पैसा देंगे तो एम्प्लॉयज और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे काम करने के लिए। क्लियर, ओके। सिक्स्थ ऑप्शन जो आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है वो है हमारा को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन। इसका मतलब क्या है, देखो आपने अगर शेयर्स के बारे में सुना हो तो क्या होता है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स देती है सस्ते दामों पे। स्टॉक ऑप्शन इसी को बोला जाता है कि जब अपने एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी के शेयर्स देते हैं वो भी सस्ते दामों पे, उस चीज को बुलाते हैं हम स्टॉक ऑप्शन। सस्ते दामों पे फ्री में देना, ये स्टॉक ऑप्शन कहलाता है। मतलब इन शॉर्ट हम उनको मालिक वाला दर्जा दे रहे हैं। शेयर होल्डर होते हैं ना हमारे कंपनी के, रियल ओनर्स, तो किसी कंपनी को हम शेयर, किसी एम्प्लॉय को हम शेयर दे रहे हैं तो वो क्या है, रियल ओनर्स हैं। ओनरशिप का दर्जा मिल जाता है, फीलिंग आ जाती है ओनरशिप की कि हाँ मैं भी इस कंपनी का मालिक हूं। और मालिक ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा मालिक ही काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो के अंदर जब ओनरशिप की फीलिंग आती है तो वो ज्यादा काम करते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है, कोई पार्टनरशिप वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप उनको पार्टनरशिप में ऑफर कर देते हो कि हाँ भी तो मेरे पार्टनर बन जाए, चाहे तू 2% का बने, 5% का बने, तो पार्टनर बन जाओ। क्लियर, तो इससे क्या होता है, ओनरशिप वाली फीलिंग आती है तो आदमी और ज्यादा काम करता है। क्लियर। लास्ट है परक्यूसिट। परक्यूसिट का मतलब होता है कुछ एडिशनल बेनिफिट्स, जिसको हम फ्रिंज बेनिफिट्स भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपको हमने एक घर दे दिया रहने के लिए, जब आप जॉब छोड़ के जाओगे आपको घर भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन तब तक आप हमारे घर में रहो, ठीक है। आपको एक गाड़ी दे देंगे, आपको ड्राइवर दे देंगे, आपको कुक दे देंगे, ठीक है ना, आपके हम बच्चों की एजुकेशन फीस दे देंगे, समझ में आ रहा है। तो ये क्या कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो हम देते हैं, तो ये बहुत हायर पोजीशन वालों को ही ये जो जो प्रिविलेज है, ये जो परक्विजिट्स है वो मिलती है।
तो जब उनको ये चीजें मिलती हैं तो वो और भी मोटिवेट होता है काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको बाकी चीजों की टेंशन अब नहीं लेनी, तो आपको 100% काम करना पड़ेगा, अदरवाइज छीननी चाहेंगे। क्लियर? कोई भी डाउट? ओके, तो बच्चों ये थे हमारे साथ फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसके अंदर हम पैसों से या पैसों वाली चीजें देके हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं काम करने के लिए। ओके, अब बच्चों बात करते हैं किसके बारे में, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में। देखो, हर एक एम्प्लॉय सिर्फ पैसे से खुश नहीं होगा, उनको एडिशनल चीजें भी चाहिए। क्या? मन की शांति, ठीक है ना, सरदर्द नहीं होना चाहिए काम करते समय, मन की शांति होनी चाहिए। पैसा दोगे वो काम करेगा, नाच नाच के काम करेगा, लेकिन मन की शांति नहीं होगी तो वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा जितना वो कर सकता था। तो मन की शांति के लिए हम कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देते हैं, जो आपकी साइकोलॉजी को, जो आपके इमोशंस को मोटिवेट करती है कि हाँ भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में खुश रहो। अच्छा, एक चीज और, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर कुछ पैसों का एलिमेंट आ सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं किसी को प्रमोशन करना, तो प्रमोशन में ऑब्वियसली बात है उसकी सैलरी भी इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे प्रमोशन का मेन मोटिव पैसे देना नहीं होता, वहां पर होता है कि यहाँ पे उसका स्टेटस ऊंचा करना होता है बाकियों के सामने कि हाँ अब वो मैनेजर से जनरल मैनेजर बन गया, या फिर वो मिडिल लेवल से टॉप लेवल पर आ गया। तो वहां पर जो मेन फोकस, प्राइमरी फोकस होता है वो साइकोलॉजी पर होता है, इमोशंस पर होता है, रादर देन मनी पर। क्लियर? ओके, तो डिस्कस करते हैं एक एक करके हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। देखो, पहला जो हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव आता है वो आता है स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है रैंक ऑर्गेनाइजेशन का, कि आप किस पोजीशन पर हो, आपके पास क्या पावर्स है, आपके पास क्या अथॉरिटी है, क्या क्या डिसीजन आप ले सकते हो, आपके नीचे एम्प्लॉयज कितने, आपकी टीम कितनी बड़ी है। तो जिसका जितना अच्छा स्टेटस होता है वो और काम करने में मोटिवेट हो जाता है, और आपका स्टेटस नहीं है और आपको पता दे कोई कि अगर तुमने अच्छा काम किया तो आपका स्टेटस इंक्रीज कर सकता है, आपको प्रमोशन दे सकते हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आप एक्साइटेड होकर काम करना चालू कर दो। ओके, तो स्टेटस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है। ओके, दूसरा जो बच्चों हमारे अंदर आ रहा है वो है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। आपका ऑर्गेनाइजेशन का वातावरण कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, क्या आप उनको आजादी दे रहे हो काम करने के, क्या उनको आप रिस्क लेने दे रहे हो, समझ रहे हो, क्या आप अपने एम्प्लॉयज को इम्पोर्टेंस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो अगर आप ऐसा दे रहे हो तो वो काम करने में इच्छुक होंगे और अच्छे से इच्छुक होंगे। अगर मान के चलो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जिसमें आप जो बोलोगे वही होगा, तो एम्प्लॉयज क्या बोलेंगे, देखो ऐसा है बॉस ने बोल दिया, करना पड़ेगा, बॉस को अकल है नहीं, वो कुछ सुनेगा नहीं, अगर नहीं सुनेगा तो भैया आप जो बोलेगा करो, उन्हें निकाल दी जाओगे। तो ऐसे में ना बेमन से वो सारे काम करेंगे, लेकिन आप उनको आजादी दो काम करने की, आप उनको अच्छे काम करने में अवार्ड दो, मतलब एक एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए कि हाँ वो लोग कहे कि यार ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, मजा आना चाहिए। तो ऐसे केस में ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट अच्छा रखना भी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। क्लियर? ओके, तीसरा और चौथा मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगा क्योंकि वो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तीसरा है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, और चौथा है हमारा जॉब एनरिचमेंट। पहले जॉब एनरिचमेंट समझते हैं। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि कोई भी एम्प्लॉय जो होता है वो एक जैसा बोरिंग काम जिंदगी भर नहीं करना चाहता, उसको चाहिए ऐसे काम जिसमें उसकी नॉलेज टेस्ट हो, नॉलेज इंक्रीज हो, उसको चैलेंज मिले, उसको लगे कि हाँ भाई एक्चुअल में मैंने कुछ काम किया है, मैंने अपनी स्किल्स का कुछ यूज किया है। तो अगर आप ऐसे चैलेंजिंग टास्क लोगों को देते हो तो वो अच्छे से मोटिवेट होके काम करते हैं, मतलब उनकी जॉब जो होनी चाहिए वो मजेदार होनी चाहिए, मसालेदार होनी चाहिए, बोरिंग जॉब नहीं होनी चाहिए। और करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि उनके करियर में ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है ना, उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, उनकी स्किल्स इंप्रूव होना चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको मैच्योरिटी आनी चाहिए, मतलब वो अपने करियर में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी एंड जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट बोलता है आपकी करंट जॉब अच्छी हो, उसमें चैलेंजिंग हो, नई नई चीजें सीखने मिले, और करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी बोलता है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने में, करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको मैनेजर जो है वो आपको मौका दे, आपको प्रूव करने का मौका दे, आपकी स्किल्स, आपकी ग्रोथ, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कराने में मदद करें। तो ये दोनों जब चीजें मिलती है तो आप और भी मोटिवेट होते हो काम करने के लिए। आपको ये चीज क्लियर हो गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है बच्चों? जॉब सिक्योरिटी। अगर आपको कोई बोल दे आपको निकालेगा नहीं तो आप मन से काम करोगे। क्यों मन से काम करोगे? क्योंकि पहले क्या होता था, आपको कभी भी निकाला जा सकता है। जब आपको पता लग जाए कि मुझे कभी भी निकाला जा सकता है तो फिर आप क्या करोगे, हर वक्त देखते रहोगे कि हाँ भाई कहीं और जॉब ले लूँ, कहीं और जॉब ले लूँ, यहाँ वैकेंसी है कि नहीं, वहाँ वैकेंसी है कि नहीं। वैसे केस में काम पे ध्यान कम होता है और दूसरी जगह जॉब ढूंढने में ज्यादा ध्यान लगता है। लेकिन अगर आपको कोई बोल दे कि आपकी जॉब सिक्योर है तो आप मन से काम करोगे। लेकिन यहाँ पे कुछ आते हरामी लोग,
हमको कोई नहीं निकाल सकता, टांग पे टांग रखे फिर काम करते हैं, मतलब फिर और आलसी हो जाते हैं। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी। पॉजिटिव पॉइंट है वो टेंशन नहीं है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट है कि टेंशन नहीं है, समझ रहे हो ना, अब तो कुछ भी करो टेंशन ही नहीं है, समझो। ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों सेम है। ओके, सिक्स पॉइंट क्या था, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। कभी ऐसा हुआ है बच्चों, पापा को कुछ बड़ा डिसीजन लेना हो और आपसे बोले बेटा आप बताओ आपको क्या लगता है इसके अंदर, ये चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो जब आप अपना ओपिनियन देते हो तो आपको कितनी प्राउड फीलिंग आती है कि पापा मुझसे सजेशन ले रहे हैं इस चीज का। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कुछ बॉसेस डिसीजन लेते हैं और वो अपने एम्प्लॉयज से पूछते हैं बताओ आपका क्या राय है, आपको ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको इस चीज में क्या लगता है, तो एम्प्लॉयज कितने खुश होते होंगे कि हमारी बात सुनी जाती है, हमारी बात रखी जाती है, वो हमसे पूछते हैं कि हमको क्या चाहिए, तो वो कितने खुश होते होंगे। इसमें पैसा एक रुपया भी नहीं लग रहा, लेकिन ये कि हमने उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर लिया तो वो क्या हो गए, खुश हो गए। यही चीज में तो एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करो, उनसे पूछो, उनको डिस्कस करो, तो उनको भी एक आती है कि हाँ भाई हम भी इंपॉर्टेंट हैं, तो ऐसे केस में वो मोटिवेट हो जाते हैं काम करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेवन पॉइंट है वो क्या है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। इसका मतलब क्या है, एम्पावर का मतलब होता है उनको ताकत देना। ताकत किस चीज की देना, काम करने की ताकत देना, डिसीजंस लेने की ताकत देना। तो अगर आप अपने जॉब उनको, अपने एम्प्लॉयज को जॉब में ऑटोनॉमी दो, इंडिपेंडेंस दो, ताकत दो डिसीजन लेने की, काम करने के, लोगों से काम करवाने के लिए, तो उनको लगता है कि हाँ भाई बॉस ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी दे रखी है तो हमको अब अच्छे से काम करने की जरूरत है, और जब वो ऐसा सोचते हैं तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। क्लियर, ओके। और लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो अच्छा काम करे उसको रिकॉग्निशन दो, उसको अवार्ड दो, उसको रिवॉर्ड दो, उसको इंसेंटिव दो, लोगों के सामने उसकी तारीफ करो, क्योंकि तारीफ का हर कोई भूखा होता है। अगर आप अपनी मम्मी को बोल दो मम्मी क्या खाना बनाया मजा आ गया, तो बेटा अगले दिन देख और प्यार से वो खाना बना के खाएंगे, ऐसा फैक्ट है, समझ में आया। पापा को बोल दो पापा बहुत अच्छे लग रहे हो, पापा अगले दिन और अच्छे से तैयार होने की कोशिश करेंगे, क्यों, क्योंकि उनको तारीफ सुननी है। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किसी की तारीफ करते हो, किसी को अवार्ड देते हो, किसी को सबके सामने पीठ थपथपाते हो कि भाई तूने काम करके दिखाया, सबको इसके जैसा बनना चाहिए, तो बाकी लोग भी लालच में आ जाते हैं कि मुझे भी अवार्ड चाहिए, मुझे भी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड चाहिए, मुझे भी वो ट्रॉफी चाहिए जो इनको मिली थी, तो ऐसे में वो खुश हो जाते हैं। तो बच्चों ये था हमारा पूरा टॉपिक किस चीज का, मोटिवेशन का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, मोटिवेशन, मोटिवेशन के फीचर्स, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसके अंदर हमने पांच नीड्स पढ़ी थी, अजम्पशंस पढ़े थे, फिर हमने पढ़ा फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। क्लियर हो गया, ओके। अब जो बच्चों टॉपिक आता है अगला, वो आता है हमारा लीडरशिप। ऊपर दिखा दूं क्या है, आपको लगेगा सर यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे बच्चों सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि हाँ भाई कैसे कैसे आप एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं तीसरे एलिमेंट की, और तीसरा एलिमेंट हमारा कौन सा है, लीडरशिप। लीडरशिप बड़ा ही मजेदार है, जब भी हम किसी कंपनी का नाम सुनते हैं तो एक या दो नाम हमारे दिमाग में आते हैं। अगर मैं आपको बात करूं माइक्रोसॉफ्ट तो बिल गेट्स दिमाग में आता है, अगर हम बात करें रिलायंस तो अनिल अंबानी जी का, मुकेश अंबानी जी का नाम समझ में आता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टाटा ग्रुप की तो हमारे दिमाग में रतन टाटा जी का नाम आता है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लीडर्स का नाम आता है हमारे दिमाग में, पॉलिटिकल लीडर्स का नाम आता है, ठीक है ना। वैसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसा होता है, लीडर्स होते हैं, और लीडर्स ऐसे लोग होते हैं जिनकी बात हम सुनते हैं। आप भी ऐसा होगा, आप में से कोई ना होगा जिसकी आप किसी की बात सुनते हो, कोई भैया, कोई दीदी, कोई टीचर ऐसा होगा जिसकी बात आप आग बंद करके मान लेते हो कि हाँ ये इसने बोला है तो कुछ सही बोला होगा, हमको ये चीज करनी चाहिए। होगा आपके लाइफ में कोई ना कोई होगा, चाहे भैया होगा, कोई दोस्त होगा, कोई दीदी होगी, मम्मी होंगे, पापा होंगे, दादा होगी, दादी होंगी, मौसी होंगी, नानी होंगी, कोई तो होगा जिसकी आप बात मानते होंगे बिल्कुल पूरे दिल से, होल हार्टेडली। तो वो क्या है, आपकी लाइफ के एक लीडर है। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या होता है, लीडर होते हैं, और लीडर जैसा बोलता है हम वैसा करना चालू कर देते हैं, भले हमारी पहले कुछ भी करते हो। तो व्हाट इज लीडरशिप, लीडरशिप इज द पावर, इज द प्रोसेस टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल। हम लोगों के बिहेवियर में चेंज लेकर आ रहे हैं और उनको खुद से मोटिवेट कर रहे हैं, खुद से उनके अंदर एक भूख जगा रहे हैं जो वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए काम करें। तो मोटिवेशन, लीडरशिप क्या है, मोटिवेशन से कंफ्यूज मत होना, मोटिवेशन है लोगों को एक्साइट करना कि काम करो, और लीडरशिप में लोगों के इन्फ्लुएंस करना, उनके बिहेवियर को बदल देना कि आ चलो तुम काम करो, पहले जो काम करने में मन नहीं करता था जिसका, अब वो काम करना चालू करा, तो उसे अपने बिहेवियर में चेंज ला दिया ना। तो लीडरशिप इज अबाउट चेंजिंग द बिहेवियर, और मोटिवेशन इज अबाउट मेकिंग एक्साइटिंग,
क्लियर। लीडरशिप मतलब इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, और हमारा मोटिवेशन का मतलब वो क्या है, स्टिमुलेट करना या लोगों को एक्साइट करना। ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप के फीचर्स क्या, कैसे पता लगेगा कि आप एक लीडर हो या फिर आप लीडरशिप कर रहे हो? तो पहला चीज ये कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, पहली चीज तो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज लोगों के बिहेवियर में चेंज लेकर आ रहे हो, दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है, आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप इज इंटरनल पर्सनल रिलेशन, मतलब है आप लोगों के संग रिलेशन बनाकर चल रहे हो, लोग आपकी बात सुनते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन, लोगों के संग आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, ठीक है। इसके अलावा लीडरशिप किस लिए करी जाती है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। बीइंग अ टीचर, हमारा जो गोल होता है वो क्या होता है, बच्चों के ज्यादा अच्छे मार्क्स आए जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मम्मी पापा का क्या काम होता है कि आप अच्छे से पढ़ो तो आपका फ्यूचर अच्छे से बन जाएगा। वैसे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, अच्छे से काम करोगे तो आपकी लाइफ भी अच्छी होगी, आप भी ज्यादा पैसा कमाओगे, हमको भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या ये एक क्या है, हमारा कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम होता है। और लास्ट, लीडरशिप कंटिन्यूस होती है, मतलब ये कि वन टाइम कोई ज्ञान दे दे उससे काम हो जाएगा, नहीं, आपको हर वक्त ज्ञान देना पड़ता है, आपको हर वक्त लीड करना पड़ता है। और ये सारी क्वालिटी जिसके अंदर होती है उसे हम क्या बुलाते हैं, लीडर बुलाते हैं। क्लियर, कोई भी डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लीडरशिप जरूरी क्यों है, Why it is important of leadership? तो बच्चों इसके अंदर हमको पांच पॉइंट्स पढ़ने हैं लीडरशिप की इंपॉर्टेंस की। पहला ये लोगों के इन्फ्लुएंस को बिहेव वो बदल देता है और लोगों से पॉजिटिवली खुद के इच्छा से काम करने के लिए मजबूर कर देता है, इन्फ्लुएंस करके, और गोल्स अचीव हो जाते हैं। क्लियर, ओके। दूसरा क्या है, एक जो लीडर होता है वो अपने फॉलोअर्स को उनके गोल्स अचीव करने में मदद करता है, उनको वो एनर्जी देता है, उनको वो एनकरेज करता है, उनको वो सपोर्ट देता है जिससे वो अपने गोल्स भी अचीव कर पाए। तीसरा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने होते हैं, जैसे कुछ नई पॉलिसी लेकर आना, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आना, तो ऐसे केस में जो एम्प्लॉयज होते हैं ना वो हड़ताल पे चले जाते हैं, ये नहीं चलेगा, ये हमारी आजादी को रोकने वाला है, ये हमको डुबाने वाला है, मतलब कुछ किना करके वो कोशिश करते हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अप्लाई ना हो, तो ऐसे केस में वो रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में लीडर क्या करता है, लोगों को वो मोटिवेट करता है, लोगों को इंस्पायर करता है, लोगों को उनके प्लस पॉइंट्स बताता है कि ऐसी चीज करने से क्या क्या फायदे होंगे, तो कोशिश करता है कि कॉन्फ्लिक्ट कम से कम कम हो और जो चेंजेस हम चाहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लागू हो जाए। आपने इंडिया के अंदर देखा होगा जब CAA और NRC का रूल आया था, तो और जो हमारे फार्म बिल्स आए थे, लोग हड़ताल पे चले गए थे, हमारे लीडर्स ने कितनी कोशिश करी कि लोगों को सबके प्लस पॉइंट बताएं, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो कुछ जगह पर काम बन जाता है, कुछ जगह पर काम नहीं बनता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंस है कि हाँ, आप चेंजेस को ला सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो पॉइंट और है हमारे लीडरशिप के, कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। मतलब ये समझ लो आप एक लीडर हो, आपके सामने दो जनों की लड़ाई हो रही है, मान के चलो आप एक दोस्त हो और दो जनों की लड़ाई हो, तो आप किसी ने कोशिश करके आप उनकी लड़ाई खत्म करवा देते हो ना, ऐसा दुश्मन नहीं होना चाहिए, वरना तुम आप और दो हाथ दे दोगे, ऐसा नहीं करना। तो एज अ लीडर आपका काम ये होता है, एक मिनट रुकना, हाँ, एज अ लीडर आपका काम ये होता है कि आपको क्या करना है, लोगों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको खत्म करना है, उनके मन में कुछ भी बात नहीं रहनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, अदरवाइज वो कभी किसी भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो एज अ लीडर यू शुड हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट इजिली, यू शुड मेक पीपल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग आउट, वो चाहते हैं कि आप सब मन की सारी बात निकाल दो और एकदम मेंटली फ्री हो जाओ, ऐसा लीडर करते हैं। तो इंपॉर्टेंस है लीडरशिप की करने वाले। और लास्ट, लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, लीडरशिप के अंदर हम लोगों को ट्रेन करते हैं। क्यों ट्रेन करते हैं, कि कल को मान के चलो लीडर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया या दुनिया छोड़ के चला गया, तो वो जगह खाली हो जाएगी, तो जगह भरने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होता है, लीडर अपना जो उत्तरदायी होता है, जो अपना लीगल हायर होता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको वो बनाकर जाता है, ट्रेन करके जाता है कि कल को मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के गया या फिर ऊपर ही निकल गया, तो ऐसे केस में वो जगह लेकर बैठ जाए। क्लियर, तो ये हमारा लीडरशिप की इंपॉर्टेंस, मीनिंग देख लिया, फीचर देख लिया, इंपॉर्टेंस देख लिया। अब बात करते हैं लीडरशिप करते कैसे हैं, व्हाट आर द स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। तो बच्चों हमारे कोर्स के अंदर तीन लीडरशिप स्टाइल्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तीनों को मैं एक साथ करके समझाता हूँ आपको। एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा हैंग हो गया है, हाँ हो गया। तो बच्चों तीन टाइप के लीडरशिप स्टाइल है जो हमको पढ़ने हैं एक एक करके। पहला क्या हमारा ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेरियन लीडरशिप, दूसरी हमारी डेमोक्रेटिक या फिर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, और तीसरी हमारी लेसे फेयर या फिर फ्री रियल लीडरशिप। एक एक करके तीनों को समझते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसके जो डायग्राम्स हैं बच्चों वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना।
ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेरियन लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जिसके अंदर लीडर चाहता है कि मैं ऑर्डर दूं और आप बात सुनो, बस मैं ऑर्डर दूं और आप बात सुनो, मुझे आपसे फीडबैक नहीं चाहिए, मुझे आपसे किसी भी तरीके का सजेशन नहीं चाहिए, मुझे किसी भी तरीके की मनाही नहीं चाहिए कि आपको काम नहीं करना, मैंने जो बोल दिया वो पत्थर के लकीर है, आप काम करो। इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेरियन लीडरशिप। कोई अथॉरिटी जमा रहा है, कोई तानाशाही कर रहा है कि नहीं आपको मेरा जो बताया गया वो काम करना ही पड़ेगा। अगर आप डायग्राम भी देखो स्क्रीन पर तो वो एक तरफ एरो दिखा रहा है बस, कि ऊपर से नीचे बात जा रही है और बात खत्म, वो नहीं चाहता चेंज होना, उसने जो बोल दिया वो फाइनल हो गया। सुन सकता है वो आपकी बात, लेकिन डिसीजन जो फाइनल होगा वो उसी का होगा। इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको, बड़े फनी से एग्जांपल है, एग्जाम में नहीं लिखा है लेकिन पता होना चाहिए। मान के चलो बच्चों आज सैटरडे का दिन है और कल संडे है, ठीक है, ओके। तो संडे को ना कभी क्या होता है टाइमिंग्स को लेकर टीचर्स के संग क्लैश हो जाता है, सर सुबह 10 बजे मत रखना, सुबह जल्दी हो जाएगा उठ नहीं पाएंगे, आप 2 बजे रख लो, 12 बजे रख लो, 9 बजे रख लो, 5 बजे रख लो, छुट्टी कर दो, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं ऑप्शंस आते हैं। लेकिन मुझे एक डिसीजन लेना है तो मैं सबकी बात सुनूंगा तो फिर बैच ही नहीं हो पाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा 12 बजे कल फाइनल टाइम है, जिसको आना आओ जिसको नहीं आना वो छुट्टी मारो, उसका नुकसान। तो मैंने क्या करा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप करी और मैंने बोला कि मैंने बता दिया है यही टाइम फाइनल है। उसके बाद बोलो नहीं सर 2 बजे कर लो, 12:30 कर लो, 1 बजे कर लो, तो फिर मैंने कहा नहीं जो मैंने बोल दिया वही फाइनल है, मतलब मैंने आपकी बात सुन ली लेकिन फाइनल डिसीजन किसका है, मेरा है, क्लियर, जो मुझे पसंद है। तो इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटी लीडरशिप। अच्छा ये कब करनी चाहिए, तो ये तब करनी चाहिए, मेनली एग्जांपल दो सिचुएशन है, जब आपको जल्दी डिसीजंस लेने हो, वरना अदरवाइज हर एक से डिस्कस करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, या फिर आपको टाइमली काम कंप्लीट करना हो, तो इन दैट केस आपको कभी कभी ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटी लीडरशिप फॉलो करनी पड़ सकती है, क्लियर, ओके। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक या फिर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। नाम से पता लग रहा है पार्टिसिपेटिव, मतलब ये यहाँ पे लीडर्स और जो फॉलोअर्स होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, कंक्लूजन पर आते हैं, डिसीजन पर आते हैं, ऐसी लीडरशिप को क्या बुलाते हैं, पार्टिसिपेटिव या फिर डेमोक्रेटिक लीडरशिप। मतलब ये यहाँ पे लीडर्स फॉलोअर्स से बात करता है, फॉलोअर्स लीडर्स से बात करते हैं, फॉलोअर्स आपस में बात करते हैं, सब कुछ कम्युनिकेशन आपस में हो रहा है और फिर वो कंक्लूजन पर आते हैं, तो ऐसे केस को क्या बुलाया जाता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। क्या ये चीज क्लियर हो गया, ओके। जैसे मान के चलो क्लास के आप स्कूल के अंदर फेट हो रही है, ठीक है ना, स्कूल फेट हो रही है, तो ऐसे केस में क्या होता है, आप मिलकर डिसाइड करते हो कि हमको किस चीज की स्टॉल लानी है, कौन स्टॉल पर बैठेगा, कौन क्या प्रिपरेशन करेगा, तो ये क्या है, एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है, क्लियर, ओके। आगे बढ़े और तीसरा क्या हमारा, लेजे फेयर और फ्री रियल लीडरशिप। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा पहले लेजे फेयर का मतलब लिख लो बच्चों, मिनिमम इंटरफेरेंस, लिखो मिनिमम इंटरफेरेंस, और फ्री रेन का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ एक्शन। अब क्या मतलब है नहीं समझते हैं, डायग्राम देखो बच्चों, यहाँ पे ए लीडर है, बी सी डी ए क्या फॉलोअर्स है। अब एक बात नोटिस करना, इसके अंदर जो लीडर है वो कनेक्टेड नहीं है अपने फॉलोअर्स से, मतलब ये ऐसे केस के लीडरशिप के अंदर लीडर जो होता है जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो जाए तब तक इंटरफेरेंस नहीं करता, मतलब समझ लो, मतलब ये कि लीडर ने आपको आजादी दे रखी है, जैसा मन में आया वैसा काम करो, जो आपको लगता है ठीक आप वो काम करो, मैंने आपको फुल इंडिपेंडेंस दे दी है, लेकिन जब आपको अगर कुछ जरूरत हो तो आप मेरे पास आ सकते हो, आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ रिसोर्सेस चाहिए तो आप मेरे पास आ सकते हो, अदरवाइज आई विल नॉट इंटरफेयर। तो ऐसे केस को फ्री रियल मतलब फ्रीडम ऑफ एक्शन या फिर लेसे फेयर मतलब मिनिमम इंटरफेरेंस लीडरशिप भी कहा गया। और ध्यान रखना तीनों के डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायग्राम भी बनाने को आने को आ चुके हैं और डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं, इन डायग्राम के मार्क्स होते हैं, वैसे आप लड़का लड़की बनाओ ड्राइंग करके आओ उसके मार्क्स नहीं है, लेकिन इन फ्लो डायग्राम्स के भी मार्क्स है, क्लियर, ओके। और जो ये हमारा टॉपिक हो गया लीडरशिप का, तो अभी तक हमारे तीन एलिमेंट्स हो गए, कौन कौन सा, सुपरविजन हो गया, मोटिवेशन हो गया और लीडरशिप हो गया। अब हम चौथा और आखिरी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारा चैप्टर का, दैट इज कम्युनिकेशन। काफी बढ़िया टॉपिक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर कुछ टॉपिक टर्म टू वालों के लिए डिलीटेड है, लेकिन जो न्यू सेशन वाले हैं जो 22-23 के हैं उनको पूरा लेक्चर देखना है, और जो हमारे टर्म टू वाले हैं उनको मैं बता दूंगा कितना पोर्शन नहीं देखना है, ओके। चौथा टॉपिक आ रहा हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के सिंपल वर्ड्स में मीनिंग क्या होता है, बातचीत करना, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं आप मुझसे बात कर रहे हो, तो ये क्या एक तरीके का कम्युनिकेशन है,
तो सर इतना पढ़ाने की क्या जरूरत है आपको? कम्युनिकेशन पता तो है, आप हमने एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, आगे निकले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे? समझाने की कोशिश करते हैं, बच्चों मैं आपको समझा रहा हूँ कोई पर्टिकुलर टॉपिक और आप उस चीज को जान रहे हो, तो जब तक आपको वो टॉपिक एज इट इज समझ में नहीं आएगा, जब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या मेरे पढ़ाने का फायदा है बताओ? क्या मेरे पढ़ाने का फायदा है? मैंने पढ़ाने की कोशिश करी, आपको कुछ समझ में ही नहीं आया, तो मेरे पढ़ाने का फायदा ही क्या हुआ? कम्युनिकेशन तो बेकार हो गया, एफर्ट्स तो बेकार गए, आपका सुनने का एफर्ट बेकार गया, मेरा बोलने का एफर्ट खराब गया। तो ऐसे में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक्सप्रेशन है, ठीक है? आप एक्सचेंज कर रहे हो, क्या एक्सचेंज कर रहे हो? कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो, कुछ व्यूज, कुछ आइडियाज, कुछ सजेशंस, कुछ फीलिंग्स एक्सचेंज कर रहे हो दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जिससे आप एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर आ जाओ, जैसा आप बताना चाह रहे हो वैसा ही वो समझ पा रहे हैं, इस चीज को बुलाया जाता है कम्युनिकेशन। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको बोलूँ कि हाँ भाई इंडिया का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो एक फैक्ट बताया मैंने आपको, मैं बोलता हूँ चला कुछ बिजनेस करते, तो मैंने आपको आइडिया बताया, ठीक है ना? मैं आपसे प्यार करता हूँ तो मैंने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करी, ठीक है? क्यों करी? जिससे आप भी वो चीज समझ पाओ, वो भी चीज आप फील कर पाओ, ठीक है? आप एक अंडरस्टैंडिंग बना पाओ हमारे बीच में, तो इस चीज को बुलाया जाता है कम्युनिकेशन। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। हमने पढ़ ली, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू मोर पर्सन टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ये हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक्चुअल में कम्युनिकेशन चलता कैसे है, होता कैसे है? तो देखो बच्चों, इसका एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल मान के चलते हैं। रटने की कोशिश करोगे तो रट तो जाएगा, लेकिन फीलिंग नहीं आएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो आप किसी कैफे में गए थे, ठीक है? अकेले गए थे कैफे में, चाय पीने का मन कराया या फिर कॉफी पीने का मन कराया कैफे में चाय, तो वहां देखा कि आपका जो एक क्लासमेट है जो कि चुपचाप से रहता है, वो किसी लड़की के संग डेट पर आया हुआ, तो कॉफी पे, और आपने बोला ओ तेरे की क्लास में तो चुपचाप रहता है और यहाँ डेट पर आया हुआ है, ये बात तो मुझे अपने दोस्त को बतानी पड़ेगी। तो मतलब यू आर द पर्सन हु वॉन्ट्स टू कॉन्वे द मैसेज, आप वो व्यक्ति हो जो बात किसी को कहना चाह रहा है कि हाँ भाई मैंने उस लड़के को लड़की संग देखा। तो यू आर द सेंडर, जिसको मैसेज भेजना है वो सेंडर है। और मैसेज मैसेज मतलब आइडिया, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स वगैरह। आप क्या बात कन्वे करना चाहते हो, वो क्या है हमारा मैसेज। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? कोई डाउट? पक्का? ओके, अब आप उसको बताओगे कैसे? टाइप करके बताओगे, फोटो क्लिक करके बताओगे, फोन करके बताओगे, उसको बुलाओगे यहां पर जल्दी से इधर आ, कैसे? तो उस चीज को बुलाया जाता है एनकोडिंग। तो एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? जो हमारे दिमाग में मैसेज है उसको कम्युनिकेशन फॉर्म में लेकर आना। मतलब ये आपके दिमाग में जो बात चल रही है वो आप सामने वाले को बताओगे कैसे? बोलकर बताओगे, लिख कर बताओगे, फोटो क्लिक करके बताओगे, कुछ ना किसी तरीके से बताओगे ना। तो उस चीज को बुलाया जाता है एनकोडिंग। जो हमारे मन में बात है उसको लिखित में, एक्सप्रेसिबल फॉर्म में लेकर आना, उसको बुलाया जाता है एनकोडिंग। ओके, अभी एनकोडिंग उसके पास जाएगी कैसे? थ्रू मीडिया। मीडिया क्या हो सकता है? फेस टू फेस बात करना, ठीक है? या फिर क्या हो सकता है? इंटरनेट के थ्रू आपने वॉइस कॉल किया, वीडियो कॉल किया, आपने कोई इमेज भेज दी इंटरनेट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। ये क्या है? मीडिया। मीडिया मतलब आपने एक्सचेंज कैसे की वो इंफॉर्मेशन, समझ में आया? बोल कर सकते हो, फोन पर कर सकते हो, इंटरनेट पे कर सकते हो। फिर उसने समझी उस चीज को, उसने वो फोटो देखी, उसने वो ऑडियो सुना, तो उसका मतलब क्या होता है? डीकोड करना। मतलब है आपने एनकोड किया, आपकी जो दिमाग में बात थी वो आपने फोटो क्लिक करी, मतलब आपने वो एनकोड किया, फिर वो फोटो डाउनलोड करके उसको देख रहा है, उसने उस चीज को डीकोड किया। और डीकोड कौन करेगा? रिसीवर करेगा। रिसीवर कौन? जिसको आपको बात बतानी थी। क्या ये चीज समझ में आई? ओके, उसको बात समझ में आ गई, उसके बाद उसने फीडबैक दिया, ओ तेरे की अच्छा ये चल रहा है मैटर, ये इसकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, तभी क्लास में शांत बैठा रहता था ये। अब समझ में आ रही है बात? तो उसने ये फीडबैक दिया। फीडबैक का मतलब क्या? उसकी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है? और नॉइज, नॉइज का मतलब क्या होता है यहाँ पर? इंटरप्शन। इंटरप्शन मतलब कि आप बात इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे हो, कैसे भी, किसी, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इंटरप्शन के। इंटरनेट खराब है, नेटवर्क खराब है, सामने वाले को समझ में नहीं आया आप क्या ना बताना चाहे, या आपने किस गलत तरीके से बता दिया। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं मैसेज सही से ना पहुंचने के। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया? तो ये हमारा एक सीक्वेंस है जो कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। सेंडर होता है,
जैसे मैसेज भेजना होता है, मैसेज करने के लिए वो एनकोड करता है, मीडिया के थ्रू उसके पास जाता है, वो उसे डीकोड करता है, डीकोड कौन करता है, रिसीवर डीकोड करता है, और फिर जो रिसीवर है वो फीडबैक देता है, और बीच में कुछ इंटरप्शन आती है तो उसे क्या बुलाते हैं, नॉइस बुलाते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ओके। इसके बाद बच्चों टॉपिक आता है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अभी फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जरा ये समझते हैं बच्चों। जो आप स्केलर चेन को फॉलो करते हो, आई रिपीट, जब भी आप स्केलर चेन को फॉलो करते हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू जब आप बातचीत करते हो, उसको बुलाया जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते हैं, जिससे मन में आओ उससे बात कर सकते हो, इस चीज को बुलाया जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये चीज क्लियर? ओके। फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा वर्टिकल मतलब सीधा, और एक होता है हॉरिजॉन्टल मतलब फ्लैट। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, सेम लेवल पर बात चल रही है, एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से बात कर रहा है, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बात कर रहा है, क्लियर, या फिर एक टीचर दूसरे टीचर से बात कर रहा है, या एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बात कर रहा है, इसको बुलाया जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, या तो सीनियर जूनियर से बात कर रहा है, या फिर जूनियर सीनियर से बात कर रहा है, बॉस अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है या एम्प्लॉय अपने बॉस से बात कर रहा है, उसे बुलाया जाता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कौन सा होता है, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड मतलब जूनियर टू सीनियर, और डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया, सीनियर टू जूनियर। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? ओके, आगे बढ़े। तो ये चीज मैंने आपको डिटेल में समझा दी। अब बात करते हैं कि फॉर्मल में सिर्फ स्केलर चेन फॉलो होती है या वो सिर्फ ट्राइंगल फॉलो होता है, नहीं, बहुत अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं फॉर्मल के अंदर। तो ये डायग्राम है, डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कॉन्टेंट आप रीड कर लेना। तो जो सिंगल चेन, नाम ही फॉलो हो रहा है, चेन में बात चलेगी, सबसे सीनियर वाला बंदा बात बोलेगा और फिर धीरे धीरे बात आगे चलती चली जाएगी, इसको बुलाया जाता है सिंगल चेन, क्लियर। ओके। दूसरा आता है व्हील। व्हील के अंदर देखो बच्चों, चार डॉट कोने में है और बीच में मैंने डॉट अपना येलो करके हाईलाइट दिखाया हुआ, इसका मतलब क्या, बॉस यहाँ पे सेंटर है और बॉस जो है अपने वो एम्प्लॉय से बात कर रहा है, और ध्यान रखना यहाँ पे एम्प्लॉयज कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये एम्प्लॉयज आपस में बात नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ बॉस से बात करेंगे, बॉस उनसे बात करेगा, ऐसे ऐसे जो नेटवर्क होता है उसमें व्हील बुलाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, जैसे एग्जाम चल रहा होता है तो एग्जाम में स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू टॉक विद ईच अदर, बट दे कैन टॉक टू टीचर रिगार्डिंग एनी इशू, है कि नहीं। आप एग्जाम में बैठे हुए हो, टीचर आपसे बात कर सकता है, आप टीचर से बात कर सकते हो, लेकिन आप आपस में बात नहीं कर सकते हो, वरना चीटिंग चलाएगी उस चीज को, तो इस चीज को बुलाया जाता है व्हील, क्लियर। ओके। तीसरा आता हमारा सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब क्या होता है, कि बात जो होती है वो सर्कल में घूम रही होती है और आप जो है वो अपने राइट या अपने लेफ्ट वाले से ही बात कर सकते हो, समझना है, या तो अपने आप लेफ्ट वाले से बात करोगे या फिर अपने राइट वाले से बात करोगे, इसके अलावा आप और किसी से बात नहीं कर सकते हो, ऐसे कम्युनिकेशन नेटवर्क को बुलाया जाता है सर्कुलर, पर इसके अंदर बात जो होती है वो स्लो जाती है। फोर्थ वाला आप सबको पता लग गया, नाम से पता लग गया, फ्री फ्लो, जिससे मन में आ उससे बात कर सकते हो, जैसे एक क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इसको बुलाया जाता है फ्री फ्लो, क्लियर। वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट के अंदर सारे एम्प्लॉयज आपस में फ्रीली बात कर सकते हैं, इसको बुलाया जाता है फ्री फ्लो, क्लियर। ओके। और इन्वर्टेड वी का मतलब क्या है, देखो इन्वर्टेड वी मतलब है लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल। तो जो लोअर लेवल है वो मिडिल लेवल वाले से भी बात कर सकता है और टॉप लेवल वाले से भी बात कर सकता है, ध्यान रखना स्केलर चेन पड़ा हुआ है ना, ओनली इन केस ऑफ एमरजेंसी, मतलब ये लोअर वाला मिडिल वाले से तो बात कर सकता है, ओपनली बात कर सकता है, फ्रीली बात कर सकता है, लेकिन जो लोअर वाला है वो टॉप लेवल से तभी बात करेगा जब जरूरी होगा, बहुत ज्यादा जरूरी होगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। मान के चलो आप आगरा में बैठे हो, रिलायंस के शोरूम में काम करते हो, आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ मुकेश अंबानी जी को ही बतानी है, आप और किसी को बता ही नहीं सकते, और वो इतनी इंपॉर्टेंट है, तो आप डायरेक्टली जब कन्वे करोगे ना, तो अगर आप इंपॉर्टेंस बताओगे बात कितनी इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्टली मुकेश अंबानी जी का फोन आ जाएगा आपके पास, लेकिन अदरवाइज आपको मुकेश अंबानी से बात करनी है तो आप बात नहीं कर पाओगे। तो इन ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, ओनली इन केस ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप ऊपर लेवल वाले तक बात कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने सिर्फ ऊपर वाले तक ही बात कर पाओगे। तो ये हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, क्लियर। ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहां पर हम फॉर्मल लाइंस फॉर्मल नेटवर्क फॉलो नहीं करते हैं उसको बुलाते हैं हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ग्रेपवाइन का मतलब जो अंगूर आते हैं ना, हरे वाले अंगूर आते हैं, तो उसका मतलब क्या है, उसकी अपने टहनियां देखी होंगी, कोई कहीं भी जा रही होती है। तो वैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी क्या होता है, आप कहीं भी किसी से बात कर सकते हो, आपकी जानकारी में कोई भी हो सकता है। स्कूल के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सपोज आप 12th क्लास के अंदर हो, तो आप 11th कॉमर्स के बच्चों को भी जानते होंगे, 11th साइंस के बच्चों को भी जानते होंगे, आप दूसरे स्कूल के बच्चों को भी जानते होंगे, है ना, आप 9th क्लास के किसी स्टूडेंट को भी जानते होंगे, आप किसी 10th क्लास के स्टूडेंट को भी जानते होंगे। तो मतलब ये यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है कि आप किस किस को जानते हो, बात किससे भी कर सकते हो, इस समय आ रहा है। तो इसको बोला जाता है ग्रेपवाइन नेटवर्क। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं बच्चों अलग अलग तरीके बात करने के। तो बच्चों इसके अंदर चार पढ़ने, एक हमारा सिंगल स्ट्रैंड। यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है, धागा। स्ट्रैंड का मतलब होता है धागा। तो एक ही धागे में बात चली जा रही है, पिंस नहीं होते बीन्स, तो इसके बाद यहां से आगे, तो ऐसे कम्युनिकेशन फ्लो होता चला जाता है। इसको बोला जाता है सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। दूसरा आता हमारा गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप नेटवर्क का मतलब यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक सेकेंड, गॉसिप का यहाँ पर मतलब क्या होता है कि आप सबसे बात कर रहे हो, ऐसा नहीं कि इसे सेलेक्टिवली बात कर रहे हो, आप सबसे बात कर रहे हो। जैसे ग्रुप में बात नहीं करते, ग्रुप में आप मैसेज डाल दो, सब रीड करते, मतलब सबसे बात कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है गॉसिप। तीसरा होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है रैंडमली आप किसी से भी बात कर रहे हो, मतलब ये नहीं कि हाथ उससे ही बात करूंगा, जो सामने देख के आपने उससे बात कर ली, मन नहीं किया तो बात नहीं करी, उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। और चौथा होता है क्लस्टर, जो सबसे ज्यादा फेमस है, जिस पर भरोसा होता है हम उसी से बात करते हैं, और जिस पर भरोसा नहीं होता हम उससे बात नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा फेमस कौन सा होता है, क्लस्टर। आपको ये चीज क्लियर हो गई? ओके, तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। एक घंटा हमको हो चुका है पढ़ते पढ़ते, आई होप अभी तक आप साथ में बने हुए हो, नहीं है तो ब्रेक ले लो, और आगे का भी 10-15 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है। अच्छा बच्चों एक बात और इंपॉर्टेंट, जो बच्चे टर्म टू वाले हैं उनके लिए 99% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 99% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 100% मैं अभी करा देता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग करा के, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के बाद टर्म टू वाले बच्चे जा सकते हैं और जो न्यू सेशन वाले बच्चे हैं वो बैठे रहे, ठीक है। तो चलिए बच्चों पहले इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग कर लेते हैं, जिससे हमारे जो टर्म टू वाले बच्चे हैं वो फ्री हो जाएं। ओके बच्चों बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग करना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पहले इंपॉर्टेंस उन्होंने दे रखी है, एक्शन इनिशिएट हो जाता है, काम चालू हो जाता है, तो इसलिए डायरेक्टिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है, पहला बेसिस चीज, ठीक है। दूसरा क्या है पढ़ लेते हैं, इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स, ये लोगों के एफर्ट्स को जोड़ता है, क्योंकि अलग अलग लोग काम कर रहे होते हैं, तो एज अ लीडर या फिर एज अ मोटिवेटर आप क्या काम करते हो, लोगों के काम को जोड़ते हो और ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर लेते हो। मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव नहीं बना, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन के इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। तो डायरेक्टिंग क्या कर रहे हैं, लोगों के एफर्ट्स को ज्वाइन कर रहे हो, टारगेट्स अपने अचीव कर रहे हैं। क्लियर? ओके। तीसरा क्या रखा है, हम एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, एम्प्लॉयज को हम लीड करते हैं, जिससे वो अपनी काबिलियत को पहचान पाए और उसको वो अचीव कर पाए, ठीक है ना, कि वो क्या क्या कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव कर पाए। तो ये क्या हमारी एक लीडरशिप डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस है, कि अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं, काउंसिल करते हैं, गाइड करते हैं, जिससे अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है, जो हमने उसमें भी पढ़ा था मोटिवेशन के अंदर या लीडरशिप के अंदर, कि एज अ लीडर या एज अ डायरेक्टिंग के अंदर हमको जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लाने होते हैं वो हम डायरेक्टिंग के थ्रू ले आते हैं। एज अ लीडर हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, एक्शंस लेने के लिए उनको प्लस पॉइंट्स बताते हैं कि ये चेंज लाना क्यों जरूरी है, और फिर कोशिश करते हैं मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट से हम वो चीज को इंट्रोड्यूस करा पाए। तो डायरेक्टिंग के अंदर ये चीज पॉसिबल हो पाती है। और लास्ट क्या है, डायरेक्टिंग करने से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी और बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं और हमारा काम हो जाता है। क्लियर? ओके। तो बच्चों ये था हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर, किन के लिए, जो टर्म टू वाले हैं। टर्म टू वाले बच्चों अब आप जा सकते हो, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपने बचे हुए टॉपिक पे, जो सिर्फ किन के लिए है, अभी जो न्यू सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं। अच्छा एक बात और बच्चों, जिस दिन ये वन शॉट अपलोड हो रहा है यूट्यूब के ऊपर, इस दिन तक ये टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है। इन फ्यूचर सीबीएसई कभी कुछ बोलता है कि सिलेबस कुछ डिलीट करता है, तो मैं आपको फर्दर नोटिफाई कर दूंगा, आप समझ लेना, वीडियो को आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कभी कभार ऐसे कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, कभी कभी ऐसे कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, जिसके थ्रू हमारी जो बातचीत है, अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या आप मुझसे बात करना चाहते हो, वो इफेक्टिव नहीं हो पाती। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये वीडियो देख रहे हो, उस समय नेट खत्म हो गया, तो फिर क्या हुआ, हमारा लेक्चर खत्म,
समझ में आ रहा है, या फिर मान के चलो मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था तब वीडियो खराब हो गई तो कम्युनिकेशन हैम्पर हो जाएगा। मतलब ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जहाँ में कम्युनिकेशन हैम्पर हो सकता है, मतलब जैसा मैं बताना चाह रहा था वैसा आप समझ नहीं पाए, या फिर आपका ध्यान कहीं और था, या आपको मेरी बात सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं था। बहुत सारे तरीके ऐसे हो सकते हैं जिसके थ्रू हमारा कम्युनिकेशन मिसमैच हो जाए। तो कौन कौन से तरीके जरा वो देख लेते हैं। ब्रॉडली हमारे पास चार कैटेगरी दे रखे हैं कम्युनिकेशन के बैरियर्स की। पहला हमारा सिमेंटिक बैरियर, दूसरा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, तीसरा हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर और चौथा हमारा पर्सनल बैरियर। तो ये हमारे चार बैरियर्स है टाइप के और इसके अंदर के सब पार्ट्स हैं। तो एक एक करके सब पार्ट को देखते हैं और फिर टॉपिक को आगे पढ़ाते हैं। बच्चों पहला हमारा सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर किस चीज से रिलेटेड होता है? लैंग्वेज ऑफ द मैसेज, एनकोडिंग और डीकोडिंग से। मतलब ये जो आप बात करना चाह रहे थे या तो उसको आपने एनकोड गलत तरीके से किया या फिर आपने उसको डीकोड गलत तरीके से किया। एनकोड का मतलब है कि आपने उसको एक्सप्रेस गलत तरीके से किया, आपने वर्ड गलत लिख दिया, आपने लैंग्वेज गलत लिख दी, आपने जो वर्ड्स लिखने चाहिए थे वो नहीं लिखे। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू आपने एनकोडिंग गलत करी। और दूसरा क्या हो जाता है? डिकोडिंग गलत हुई, मतलब ये सामने वाले को समझ में ही नहीं आया कि आपने बोला क्या। हो सकता है उसकी इंग्लिश अच्छी ना हो सकता है उसकी हिंदी अच्छी ना हो सकता है उसका नेट खराब हो, कुछ भी हो सकता है, उसको डिकोडिंग करने में प्रॉब्लम हो गई। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है बच्चों हमारे सामने क्या दे रखा है? बैडली एक्सप्रेस मैसेज। इसका मीनिंग क्या है? बैडली एक्सप्रेस का मतलब होता है कि आपने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर लिए जो सामने वाले को समझ में नहीं आए, या फिर कुछ अपने वर्ड्स यूज नहीं करे जो जरूरी थी बोलना। ठीक है, तो ऐसे बोला जाता है बैडली एक्सप्रेस मैसेज, आपने मैसेज ही ढंग से नहीं लिखा। ठीक है, दूसरा था सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग हर सेंटेंस में अलग अलग हो जाता है। जैसे मैं बोलूं इस पेन की वैल्यू कितनी है, तो आप बताओगे सर 50 रुपए। मैं बोलूं हमारी दोस्ती की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? वैल्यू मैंने पेन की पूछी तो आपने बोला 50 रुपए, आपने इसकी कीमत बता दी। मैंने बोला हमारी फ्रेंडशिप की क्या वैल्यू, आपने कहा कि जिंदगी मरने का रिश्ता है, ये जन्म तक साथ रहेगा। तो मतलब समझ रहे हो, वर्ड एक ही है लेकिन हर एक के लिए मीनिंग अलग अलग हो जाता है। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसा हो सकता है। जैसे मान के चलो मेरे सामने दो व्यक्ति बैठे, ठीक है, एक प्रोडक्शन मैनेजर है एक मार्केटिंग मैनेजर है। मैंने प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा बताओ अपनी कॉस्ट बताओ, तो प्रोडक्शन मैनेजर बताएगा मेरा बनाने में कितना खर्चा आया। मान के चलो मैंने मार्केटिंग वाले से पूछा अपनी कॉस्ट बताओ, तो वो बताएगा मेरे को बेचने में कितना खर्चा आया। समझ रहे हो, वो बनाने का खर्चा बताएगा, वो बेचने का खर्चा बताएगा। तो कॉस्ट वर्ड एक ही है लेकिन दोनों के लिए मीनिंग है वो अलग अलग है। तो ऐसे केस में मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, हो सकता है। तीसरा, आगे बढ़ते हैं, फॉल्टी ट्रांसलेशन, मतलब ये सामने वाले व्यक्ति से जिस लैंग्वेज में हमने बात करी उसको लैंग्वेज अच्छे से क्लियर नहीं हुई। मैंने इंग्लिश में बात करी तो उसे इंग्लिश से हिंदी नहीं कर पाया, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। मैंने उसे हिंदी में बात करी तो उसे हिंदी अच्छे समझ में नहीं आई। जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो साउथ में हमारे लेक्चर्स देखते हैं, चेन्नई के केरला के बच्चे देखते हैं, तो वहाँ पर हिंदी उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो कुछ बच्चे समझ पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं। टेक्स्ट तो पढ़ के उनको समझ में आ जाता है लेकिन जब मैं हिंदी में एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो तब उनको दिक्कत आती है। तो मतलब है फॉल्टी ट्रांसलेशन होने के चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं जब आपका लैंग्वेज इशू हो। फोर्थ क्या है? अनक्लैरिफाइड असम्पशन। अनक्लैरिफाइड असम्पशन बड़ा ही बेसिक है। मैंने बोला कोई व्यक्ति आया था हमारे घर के अंदर, तो मैंने बोला था अपने भाई से, भाई इसकी जम के खातिरदारी करेंगे। तो जम के खातिरदारी का मतलब क्या है? एक्चुअल में उसकी खातिरदारी करना या फिर एक्चुअल में उसकी कुटाई करना। तो मेरे भाई ने कुटाई कर दी और मान के चलो मेरा मीनिंग रह ये रहा हो कि भाई इसका तो ख्याल रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है। समझ में आया? तो मैंने कुछ ऐसा बोला जिसका अजम्पशन सामने वाले ने कुछ और रख लिया, मैंने कुछ और रख लिया, तो ऐसे केस में हो गया कांड। मैंने बोला खातिरदारी का मतलब खातिरदारी से था और उसने उसकी मार लगा दी खातिरदारी से। तो यहाँ पे क्या है, मेरा assumption कुछ और था बोलने का, उसका assumption कुछ और था। तो ऐसे केस में mismatch हो सकता है। Fifth क्या है? technical jargon। technical jargon का मतलब है technical words को use करना, technical language को use करना। example के तौर पे अगर आप science के student से बात करो, यार इस पे SLM लगेगा, इस पे WDV लगेगा, वो कहेगा क्या SLM क्या WDV, यार इस पे depreciation लगाते हैं, इस पे provision बनाएंगे, इसका reserve देखेंगे, इसका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना है, इसका बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, समझ रहे हो, एरर ऑफ कमीशन क्या है। आया समझ में?
तो यहाँ पर क्या है, आपने कुछ ऐसे वर्ड यूज करे जो साइंस वाले स्टूडेंट या फिर आर्ट वाले जो स्टूडेंट हैं वो इस लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं है, तो वो उनको बात समझ में ही नहीं आएगी, लेकिन आपके लिए नॉर्मल है। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो जो आपके लिए नॉर्मल, लेकिन सामने वाले के नॉर्मल ना हो। तो ऐसे केस के अंदर मिसमैच हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। और लास्ट है बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर डिकोडिंग, मतलब ये कि सामने वाला आपको इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहा बोलने में, या सामने वाले का आपकी बात बोल तो रहा है लेकिन वो बेमन से बोल रहा है, तो आपको भी फीलिंग नहीं आएगी, आप भी ध्यान नहीं दोगे, कांड हो जाएगा। तो ये थे बच्चों हमारे सिमेंटिक बैरियर्स। अब बात करते हैं दूसरे बैरियर्स, मतलब साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल का मतलब ही क्या होता है, दिमागी रिलेटेड, मतलब ये कि आपका दिमाग कहीं ऑक्यूपाइड है या दिमाग आपका खराब है, कुछ भी ऐसा हो सकता है दिमाग से रिलेटेड आपका मिसकम्युनिकेशन हो गया। पहला है बच्चों प्री मैच्योर इवेल्युएशन। इसका मीनिंग क्या है, प्री मैच्योर इवेल्युएशन बड़ा फनी है। मैंने बोला बच्चों आपको एक काम करना है, अच्छा चलो एग्जाम्पल दें मोदी जी का, बच्चों आज रात 12 बजे मध्य रात्रि से, नहीं भाई नहीं 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 रहने 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 और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, लोगों का ये रिएक्शन होता है ना, भाई तू क्या बंद करने वाला है, नोट बंद करने वाला, देश बंद करने वाला, क्या बंद करने वाला है, आ रहा है समझ में। प्री मैच्योर इवेल्युएशन मतलब ये सामने वाले ने अपनी बात खत्म भी नहीं करी और आप समझ गए कुछ बंद होने वाला है, तो इसको बुलाया जाता है प्री मैच्योर इवेल्युएशन। सामने वाली बात सुन तो लो, आपने पुराने वाली बात सुनी नहीं लेकिन आपने पूरा अपना ज्ञान दे डाला कि यार कुछ बंद करने आया है, तो ऐसे केस में मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, तो प्रीमैच्योर इसे कहते हैं। दूसरा होता है लैक ऑफ अटेंशन। मैं ज्ञान दिए जा रहा हूं बच्चों ऐसा करो वैसा करो ये करो एग्जाम में पढ़ो, आप कह रहे हो कि यार डेट पे जाना उसके साथ, घर पे जाऊंगा कुटाई लगने वाली है, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए टेस्ट में, एग्जाम का क्या होगा, मतलब आपका ध्यान कहीं और है। तो ऑब्वियसली बात है आपका ध्यान कहीं और है, मैं कितना भी बुला लूंगा आपके कान के अंदर बात तक नहीं जाएगी, तो मिसकम्युनिकेशन तो होने का चांस बढ़ गया कि आपने बात सुनी ही नहीं। तीसरा है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। ये दो पॉइंट एक ही में दे रखे हैं। लॉस बाय ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, मान के चलो आप क्लास में आए, मैंने बोला कि अकाउंट्स वाले टीचर को ये वाली बात बता देना, और आपने आधी बात उनको बताई, आधी बात आपने नहीं बताई, कोई भी रीजन हो सकता है, जानबूझ के नहीं बताई, रह गई हो बात बताने से, तो लॉस बाय ट्रांसमिशन मतलब है जब हम किसी के थ्रू कम्युनिकेशन करवाते हैं तो ऐसे केस में लॉस बाय ट्रांसमिशन हो सकता है। और दूसरा क्या, पुअर रिटेंशन, भूल गए, सॉरी सर मैं कॉपी घर पर भूल गया, आ रहा नहीं आ रहा, वही भूल गए, तो भूलने से भी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। आप सामने वाले व्यक्ति से बोलोगे तूने मुझे बोला कब था, वो कहता मैंने बताया तो था, नहीं बोला था बताया था, तो ऐसे मिसकम्युनिकेशन हो गया। चौथा कहते रहेगा डिस्ट्रस्ट, भरोसा ही नहीं है सामने वाले व्यक्ति पे, जब भरोसा ही नहीं है तो क्या बात का कम्युनिकेशन, समझ आ रहा है, वो कुछ भी बोलेगा आपको लगेगा जिसके पीछे कुछ इसकी वो है, उसका लालच है, ऐसे बात ही नहीं करनी, तो ये क्या है मिसकम्युनिकेशन। क्लियर, तुम्हारे दो टाइप के बैरियर हो गए साइकोलॉजिकल और सिमेंटिक। तीसरा आता हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। आई नो लेंथी चैप्टर है लेकिन इफेक्टिवली पढ़ना है। तीसरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स के अंदर वो मेनली पांच पढ़ने हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी है, आपके कुछ पैटर्न ही ऐसे हैं जहां पर फ्री फ्लो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता है, तो जहां पर फ्री फ्लो कम्युनिकेशन नहीं होगा वहां पर चीजें लेट हो जाएंगी, धीरे हो जाएंगी और लोग अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। दूसरा हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको पहले दो दिन पहले बताना पड़ेगा, फिर ये होगा फिर वो होगा फलाना होगा ढिकाना होगा। रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे ही कर दिए उनको कि आपको पैटर्न पे चलना पड़ेगा, स्केलेटन फॉलो करना पड़ेगा, नहीं स्केलेटन तो आगे, रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरीके से अगर परमिशन लो ये करो वो करो दो दिन पहले बताओ ये करो वो करो, तो ऐसे केस में क्या होगा जो कम्युनिकेशन है वो डिले हो जाए। तो रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट मत बनाना कि कम्युनिकेशन ही फ्री फ्लो नहीं हो पाए। क्लियर, ओके। आगे स्टेटस, बोल कैसे रहा है मेरे सामने, तू जानता है मैं कौन हूं, मैं तेरा बॉस हूं, समझ में आया। तो मतलब ये कभी कभी बॉस अपने स्टेटस कॉन्शियस हो जाते हैं और वो अपने एम्प्लॉयज को ये नहीं चाहते कि वो उनसे तू तड़ा करके बात करे या फिर फ्रीली एक्सप्रेस करे, मजाक वगैरह भी करे, ऐसा नहीं चाहता वो, तो स्टेटस भी कभी कभार कम्युनिकेशन बैरियर बन सकता है। क्लियर, आया समझ में, ओके। आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इतने सारे लेवल्स हैं, मतलब ये पहले आपके ऊपर सुपरवाइजर, फिर सीनियर सुपरवाइजर, फिर कोऑर्डिनेटर, फिर मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर एरिया मैनेजर, फिर स्टेट मैनेजर, तब जाके सीईओ आता है। तो इतने सारे लेवल्स हो जाएंगे तो कम्युनिकेशन कितना डीले हो जाएगा,
समझ में वो कितना फिल्टर हो जाएगा। मैंने बताई 100% से ऊपर जाएगी, 80% उसके ऊपर जाएगी, 60% तो बात कहां तक जाएगी, हो गया कांड। फिफ्थ हमारा ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी। आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी फैसिलिटी नहीं है जहां पर अपने सजेशन दे पाओ, जहां अपने आइडियाज दे पाओ, जहां पर आप फ्री फ्लो कम्युनिकेशन कर पाओ, जहां पर फ्रीक्वेंटली मीटिंग ही ना होती हो, तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा, आप अपनी बात रख ही नहीं पाओगे, तो जब बात ही नहीं रख पाओगे, मीटिंग अच्छी नहीं होगी, तो फिर मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। आगे बढ़ते हैं पर्सनल बैरियर्स के ऊपर। पर्सनल बैरियर्स क्या क्या दे रखे हैं? पर्सनल बैरियर हमारे चार हैं, बड़े बेसिक बेसिक से सिंपल से, मतलब ये यहाँ पे सेंडर या रिसीवर को कोई दिक्कत है, अपनी पर्सनल दिक्कत है जिस वजह से मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। पहला क्या है? फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर ये मैंने बात कर दी तो इससे मेरी नौकरी जा सकती है, मेरी पोस्ट छीनी जा सकती है, मेरा ट्रांसफर कहीं और किया जा सकता है, तो ऐसे केस में वो आप बात करोगे ही नहीं। समझ में आया? आपको लगता है मेरी नौकरी जाएगी, मेरे में मार पड़ेगी, तो आप वो बात करोगी ही नहीं। तो फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। दूसरा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन सॉलिड्स, मतलब ये सीनियर को जूनियर पर भरोसा ही नहीं है। तो जब भरोसा ही नहीं होगा तो उसे कुछ पूछेगा ही नहीं, ना कुछ उसे बताएगा। यहाँ पे डिस्ट्रस्ट वाली बात नहीं हुई, वहां पर भरोसे वाली बात हुई। भरोसा है इस पे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, ये चीज कर पाएगा, ये चीज अपने पेट में पचा पाएगा, तो उससे कुछ बोलेगा ही नहीं। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। मेरा गला सूख गया बड़ी पूरी तरीके से, और इस समय रात के बज रहे हैं 12:30, समझ लो, रात के 12:30 बज रहे हैं समय रिकॉर्डिंग करते समय। तीसरा हमारा अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, मतलब ये सामने वाला व्यक्ति का देखते हैं मुंह सड़ जाता है, तो आप बात ही नहीं करोगे। मतलब ये अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इससे बात करूंगा, मेरी बात उल्टी मेरे पे ही आ जाएगी, बोलता मेरे पे ही डांट पड़ेगी, मेरे ही इंटरेस्ट के खिलाफ है ये चीज, तो मैं उससे बात करूंगा ही। और फोर्थ, मेरा क्या फायदा होगा मैं उसे ये बात बता दूंगा, व्हाट विल बी माय इंसेंटिव, मुझे क्या फायदा मिलने वाला है। तो जब तक आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा करने का, तो आप फिर एक्टिवली करोगे नहीं। आप एक बार बता दोगे, दो बार बता दोगे, और मान के चलो आप अपने बॉस को कुछ आइडिया बताते हो, फिर वो अपने बॉस को बताता है, तो उसकी तारीफ मिल जाती है, आपको कुछ नहीं मिलता, आपको घंटा मिलता है, तो आप क्या बोलोगे अगली बार, मेरे को तो कुछ फायदा होता नहीं, सारा क्रेडिट ये ले जाता है, तो मुझे ऐसे में बताने की जरूरत है ही नहीं। तो फिर आप बताओगे ही नहीं, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल ही नहीं रहा बताने का। क्लियर? तो लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव से आप कम्युनिकेशन मिसमैच कर देते हो। क्लियर? ओके, तो बच्चों ये थे हमारे बैरियर्स। कौन कौन से बैरियर्स थे? सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और पर्सनल बैरियर्स। लास्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन को अच्छा कैसे किया जा सकता है। 5 मिनट का टॉपिक और बचा है, कम्युनिकेशन को कैसे अच्छा करना। कम्युनिकेशन अच्छा होते ही चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्चुअल में कम्युनिकेशन करने से पहले, अरे चलो इसको स्टोरी के थ्रू समझाते हैं, बड़ा मजे से याद हो जाएगा। आपको कोई पसंद आ गया, आप लड़की हो तो लड़का पसंद आ गया, लड़के हो तो लड़की पसंद आ गई। ठीक है, अगर पर्सनल प्रेफरेंस कुछ अलग है, लड़के को लड़का पसंद है, लड़की को लड़की पसंद है, तो आपकी मर्जी। आपको कोई व्यक्ति पसंद आ गया और आपको उसके संग रिलेशन में आना है, ठीक है, पसंद आया अभी, तो आप क्या करते हो, अपने दोस्तों से पूछते हो, बता मैं कैसे बात चालू करूँ, हाय के बाद क्या लिख के भेजूँ, उसके हम के बाद क्या लिख के भेजूँ, उससे क्या बोलूँ, क्या जोक्स मारूँ। तो आप क्या करते हो, दूसरों से पहले कंसल्ट करते हो, अपने दोस्तों से कंसल्ट करते हो, फिर बातचीत चालू करते हो। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या होता है, आपको बड़ा कम्युनिकेशन करा, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन करा, तो पहले कंसल्ट करो अपने टीम से और फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट करो। दूसरा है, अपने लैंग्वेज, अपने टोन, अपने कॉन्टेंट का ध्यान रखो। ठीक है, आप क्या बात करने वाले हो, किस टोन में बात करने वाले हो, क्या बात करने वाले, जिससे सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए। वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, ठीक है, रिलेशन में जा रहे हो तो आप सामने वाले से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते हो, गाली वगैरह नहीं दे सकते हो, फ्रेंक ज्यादा नहीं हो सकते हो, जल्दी बाद में हो जाओगे वो बात अलग है, लेकिन जल्दी पहले नहीं हो सकते। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छी टोन में बात करो, अच्छे कॉन्टेंट में बात करो, और जो समझाना को प्रॉपर समझाओ। क्लियर? ओके, इसके बाद क्या दे रखा है, आप आइडियाज क्लैरिफाई करो, डिटेल में समझाओ कि क्या बात चल रही है। ठीक है ना, तो आप डिटेल में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, क्या बात चल रही है, जिससे इन फ्यूचर आप जो भी बताना चाह रहे हो उन तक पूरी बात पहुंच जाए। ठीक है, ओके, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर। ध्यान रखना, सामने वाले से बात उसके लेवल पर जाके करोगे, ये नहीं कि आप अपने लेवल पर बात करोगे, उसको जैसे समझ में आता है, उसकी जैसी नॉलेज है, उसका जैसे एक्सपीरियंस है, आप उस हिसाब से बात करोगे, आप अदर तरीके से बात नहीं करोगे। वैसे इंप्लॉयज के अंदर की यही है कि इंप्लॉयज के मान के चलो बेसिक नॉलेज है, तो बेसिक हिसाब से समझाओ, ऐसे मत समझाओ कि वो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, ऐसे नहीं समझाओ, बेसिक से ही समझाओ, जिससे उनको उनके नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको समझ में आ जाए। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प
ठीक है, हमारा फिफ्थ पॉइंट है कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प और वैल्यू टू अदर, मतलब सामने वाले को जो जरूरत है, सामने वाले को जिसमें इंटरेस्ट है, अब वो बात करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ये मान के चलो मैं अपनी तारीफ करे जा रहा हूँ, मैं अपने टारगेट बताए जा रहा हूँ अपने एम्प्लॉयज को जिसमें उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे क्या कम्युनिकेट करना चाहिए उनसे, उनका किस चीज में इंटरेस्ट है, उनकी जिस चीज में जरूरत है उनसे वो बात करनी चाहिए, तभी जाके कम्युनिकेशन अच्छा होगा और हमारा रिलेशन अच्छा बिल्ड होगा। सिक्स पॉइंट क्या दे रखा है, कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। बच्चों के नाम भी तय कर लेना बेटा, हनीमून की लोकेशन भी तय कर लेना। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि आपको प्रेजेंट जो गोल्स हैं उस पर भी तो डिस्कशन चलना है, प्रेजेंट में कैसे काम करना उस पर भी डिस्कशन चलना है, लेकिन फ्यूचर के बारे में भी डिस्कस करना है जिससे कि आपके जो गोल्स हैं वो क्लियर रहे, आपका विजन जो है वो अच्छा रहे। क्लियर, ठीक है। एंश्योर प्रॉपर फीडबैक, आज बड़ी सुंदर लग रही हो, आज कहाँ जा रही हो घूमने के लिए, है ना, कितने चली है गोभी द फूल बन के, गाना सुना आपने उसका, अक्षय कुमार का है, उसका चांदनी चौक टू चाइना मूवी का गाना है, कितने चली है गोभी द फूल बन के कुड़िए, हाँ, तो मतलब तारीफ कर रहा है एंश्योर, मतलब ये तारीफ फीडबैक दो, फीडबैक का मतलब ये भी होता है, तारीफ करना भी होता है, और फीडबैक का मतलब ये भी होता है कि हाँ भी जो उन्होंने बताया आपको वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्लस जो आप उनको बता रहे हो आप उनसे पूछो भाई समझ में आया कि नहीं आया, रिप्लाई मांगो, हाँ बोल रही होगी नहीं समझ में आया, यही चीज एंश्योर प्रॉपर फीडबैक मतलब आपको रिप्लाई करें तो उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उनको और टाइम चाहिए, उनको हाँ बोलना है, जो भी है एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी है, आप जो भी समझा रहे हो उनसे पूछो आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट हो तो बताओ। फॉलो अप कम्युनिकेशन, बाबू ने खाना खाया, बाबू घर पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ठीक है, बाबू के घर पर लड़ाई तो नहीं हुई, तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चलता रहता है कि हाँ भाई अब ये देखो कि हमें जैसा बात हुई थी वैसे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, जैसे डिस्कशन हुआ था वैसे हो रहा है कि नहीं होता, ये सारी चीजें किसके अंदर करी जाती हैं, फॉलो अप के अंदर करी जाती हैं। बी अ गुड लिसनर, तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है ही नहीं, तुम तो हमेशा अपने फोन में घुसे रहते हो, अपने दोस्तों में घुसे रहते हो, बी अ गुड लिसनर। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपको अपने एम्प्लॉयज की, अपने सीनियर्स की सारी बात सुननी चाहिए, क्योंकि जब तक मन की सारी बात निकाल नहीं देते तब तक कम्युनिकेशन अच्छा हो नहीं पाएगा। तो कम्युनिकेशन अगर आपने सारी मन की बात निकाल दी ना, प्रॉब्लम तो आती वहीं सॉल्व हो जाती, बिकॉज आपने सब कुछ मन का भाग निकाल दिया, आप फिर म्यूचुअल डिस्कशन करो काम कैसे करना, काम हो जाएगा। क्लियर, ओके। तो बच्चों फाइनली हमने ये चैप्टर जो है डायरेक्टिंग का वन शॉट अच्छे से कंप्लीट कर लिया, और हमारा लेक्चर जो है अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे 20 मिनट का हो गया है, और काफी लेंथी हो गया, मैंने हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है, बहुत ही प्यारा डिटेल में डिस्कस किया है, और ये जो 20 मिनट थे लास्ट के जो 20 मिनट है ये सिर्फ न्यू सेशन वाले बच्चों के लिए, पुराने वाले सेशन के नहीं, तो उनके लिए तो सिर्फ 1 घंटे का हुआ। ओके, तो चलिए बच्चों आपसे मुलाकात करेंगे अब अगले वन शॉट के अंदर, आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। इस समय रात के 1:15 बज चुके हैं, अब मैं बंद करूंगा, मैं भी सोने जाऊंगा, क्या भाई ज्यादा टाइम हो रहा है, पानी पीऊंगा, गला सूख रहा है, मैं पिछले 1.5 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ। आई होप आपको मेहनत पसंद आ रही होगी, आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, और मुझे तो मजा आ रहा है पढ़ाने। तो चलिए बच्चों आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर, टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहना, वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, समझ में आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।